हाय एवरीवन, वेलकम टू करंट क्रंच। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो कैसी चल रही है आप सब की प्रिपरेशन? ये जो वीडियो है आज का काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है? इसमें हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके स्पेशलाइजेशन के। तो कौन सी टारगेट ऑडियंस रहेगी? वो स्टूडेंट्स तो हैं ही ऑब्वियसली जिन्होंने सारा सिलेबस कंप्लीट किया है, ठीक है? तो वो मेरे हर वीडियो की टारगेट ऑडियंस रहती है। एंड वो स्टूडेंट्स भी जिन्होंने थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, ऐसा होता है ना ऊपर ऊपर से सिर्फ नजर दी है, वो वाले स्टूडेंट्स। एंड वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एटलीस्ट आप पढ़ के जाओगे अगर आप एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो। तो इन नटशेल सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ये वीडियो देखे, काफी बेनिफिशियल रहने वाला है आपके लिए। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैं कैसे डिसाइड कर रही हूँ, क्योंकि हमारा अगर हम PYQ देखेंगे, JKSSB का सुपरवाइजर एग्जाम का, तो कुछ टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। एंड सेम वही टॉपिक्स अगर नेट में हैं तो नेट में भी उन टॉपिक्स में से क्वेश्चन आता है। एंड सेम टॉपिक्स अगर आपके KS में, IS में, जिस टाइम पे प्रीलिम्स में सोशियोलॉजी भी हुआ करता था, वो टॉपिक्स अगर हमें इन वाले सिलेबस में देखने को मिलते हैं, तो इन एग्जाम्स में भी उन टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। तो ऐसे करके कुछ स्टैंडर्ड टॉपिक्स होते हैं जहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं, ठीक है? तो जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, पहले मैं उनके लिए थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं इस पे कोर्सेज लेके आती हूँ आपके JKSSB सुपरवाइजर एग्जाम के, करंटली सुपरवाइजर, आगे जाके NT कॉन्स्टेबल जो भी एग्जाम आएगा उसके वीडियोज आपको इस चैनल पे मिलेंगे। सुपरवाइजर में हमारा जो स्पेशलाइजेशन वाला पोर्शन है वो कम्प्लीट हो गया है। करंटली हमारी मैराथन कम रिविजन सीरीज चल रही है, जिसमें हम यूनिट 5 अभी कर रहे हैं, ठीक है? प्लस हमारी MCQ सीरीज चल रही है, जिसमें हमारा यूनिट 5 पेंडिंग है। जैसे दो कंप्लीट होते हैं हमारा स्कीम्स का रिविजन भी स्टार्ट हो जाएगा। एंड स्कीम्स के भी MCQs जो है मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, उसकी सेपरेट प्लेलिस्ट आपको मेरी चैनल पे मिल जाएगी। तो मैं ऑप्शनल सोशियोलॉजी आपका UPSC का या JKPSC का वो भी कवर करवा रही हूँ, जिसका मेरा सोर्स है नितिन सांगवान एसेंशियल सोशियोलॉजी। तो नितिन सांगवान मैंने पेपर A कम्प्लीट करवाया हुआ है एंड पेपर B के बस लास्ट के 4 चैप्टर्स रहते हैं, ठीक है? तो अगर आप ये सब कुछ मिस नहीं करना चाहते हैं, आपको क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, एंड मुझे कमेंट से बताना है आपको वीडियोस कैसे लगते हैं, ठीक है? एंड सिंस दिस इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भेज सकते हैं, वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, हार्ट के अंदर वो $, ठीक है? या आप चाहें तो आप वॉलंटियरली भी कॉन्ट्रीब्यू, ये हार्ट के अंदर $, आप चाहें तो वॉलंटियरली भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपको मेरा UPI ID कॉमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ मिल जाएगा, या आप चैनल के डिस्क्रिप्शन से भी UPI ID देख सकते हैं, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। तो पहले हम फर्स्ट यूनिट से ही देखेंगे। फर्स्ट यूनिट हमारा क्या है, सोसाइटी कम्युनिटी एंड एसोसिएशन, ठीक है? तो आपको पहले क्या करना होगा, जो मेरी ये PDF है, कंपाइल्ड PDF, वो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी प्रिंट आउट उसका ले लिया है या डाउनलोड की हुई है। तो जिसने अभी तक मेरी कंपाइल्ड PDF नहीं देखी, आप क्या करोगे, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जाओगे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां से आप पहले ये कंपाइल्ड PDF डाउनलोड करो, फिर साथ साथ में आप वीडियो सुनो, तो मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सा टॉपिक आपको करना है, एंड वो टॉपिक हम साथ साथ पढ़ते जाएंगे, ठीक है? तो पहले कंपाइल्ड PDF आप जरूर खोल के रखोगे, अदरवाइज आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी, ठीक? तो अगर आप नहीं रखना चाहते कंपाइल्ड PDF, उसके लिए सेकेंड ऑप्शन भी है कि आपको फिर साथ साथ नोट्स बनाने होंगे, जल्दी जल्दी अगर आप नोट्स बनाओगे, अभी आपके पास स्टिल 10 डेज हैं, अगर एक दो दिन में आप ये वीडियो कंप्लीट करते हो और हैंड रिटन नोट्स बनाते हो, अगले 2-3 दिन इसका रिविजन कर लो, तो एटलीस्ट स्पेशलाइजेशन का कुछ पोर्शन, इंपॉर्टेंट पोर्शन आपका कवर हो जाएगा, ठीक है? तो टेलीग्राम की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप मेरे इंस्टाग्राम की लिंक एंड फेसबुक पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, एंड आपको सारे प्लेलिस्ट की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है? तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले हम स्टार्ट करते हैं सोशियोलॉजी से। तो इसमें से देखेंगे पहले क्या इंपॉर्टेंट कंटेंट है जहां से आपका MCQ बनता है। तो जो वर्ड सोशियोलॉजी है, इट इज डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड, ये याद रख लेना। सोशियोलॉजी किससे डिराइव हुआ है, लैटिन वर्ड से। एंड लैटिन वर्ड क्या है, सोशियस, सोशियो का मतलब होता है कंपेनियन, ठीक है? एंड ग्रीक वर्ड लोगोस। तो सोशियोलॉजी किससे डिराइव हुआ है, लैटिन और ग्रीक वर्ड से। सोशियस होता है कंपेनियन, लोगोस का मतलब हमें पता है रीजन करना और स्टडी, तो ये याद रखो गया। एंड ऑगस्ट कॉम्टे को बोला जाता है फाउंडिंग फादर ऑफ सोशियोलॉजी, ये आपको याद रखना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी, अब हम सोसाइटी के बारे में पढ़ रहे हैं, थोड़ा तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो, क्योंकि कभी हो सकता है ऐसा क्वेश्चन कैरेक्टरिस्टिक पे आ जाए एंड आपको बोला हो इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक सोसाइटी का है या नहीं है, तो क्विकली मैं आपको ये बताऊंगी, ठीक है? क्योंकि डिटेल मैंने ऑलरेडी लेक्चर्स में दी हुई है, इतना डिटेल मैं आपको नहीं बताऊंगी, पर एटलीस्ट हम उतना पढ़ेंगे कि आप यहाँ से MCQ सॉल्व कर पाओ। सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ पीपल, ठीक है, लोग होते हैं इसमें। म्यूचुअल इंटरेक्शन एंड म्यूचुअल अवेयरनेस होती है,
दैट मीन्स म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है ना सोसाइटी में. ऐसा नहीं है एक खड़े होकर सिर्फ बातें करेगा, इंटरेक्शन होता है. मोनोलॉग नहीं चलता है, डायलॉग चलता है कि मैं कुछ बोल रही हूँ आप कुछ बोलोगे. वो इंटरेक्शन होगा, अवेयरनेस होगी. अगर मैं मेंबर हूँ सोसाइटी की, मुझे पता है मैं अवेयर हूँ कि मुझे सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है. सोसाइटी में लाइकनेस भी होती है एंड डिफरेंसेस भी होती है, ठीक है. ये सिंपल है समझना. सिमिलैरिटीज भी होती है एंड डिफरेंसेस भी होते हैं. कॉपरेशन भी होता है एंड कॉन्फ्लिक्ट भी होता है. कॉपरेशन होता है एंड डिविजन ऑफ लेबर होता है. डिविजन ऑफ लेबर होता है जो एक काम एक गोल होता है, लेकिन उसको अचीव करने के लिए हम टास्क को डिवाइड कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक गोल है अगर आपका घर चलाना, घर में फादर का अलग टास्क होता है कि फादर क्या काम करेंगे, मदर का अलग टास्क होता है मदर क्या काम करेंगी, ब्रदर का अलग होता है, सिस्टर का अलग होता है. तो इसको हम बोलते हैं डिविजन ऑफ लेबर. जैसे एक टर्म आती है सेक्सुअल डिविजन ऑफ लेबर. सेक्सुअल डिविजन ऑफ लेबर होता है जो मेल मेंबर्स हैं उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है एंड जो फीमेल्स हैं उनसे क्या काम एक्सपेक्ट किया जाता है, ठीक है. अकॉर्डिंगली जेंडर के बेसिस पे हम काम को डिवाइड करते हैं. इंटर डिपेंडेंस होता है, अगर मैं एक मेंबर हूँ सोसाइटी का, मैं किसी पर डिपेंड करती हूँ, दूसरा भी मेरे पर डिपेंड करेगा. फॉर एग्जाम्पल, हर कोई चीज़ देख लो सोसाइटी की. अगर सुबह दूध वाला आता है, आप उस पर डिपेंड करते हो, अगर वो आएगा तो ही घर में चाय बनेगी. एंड दूध वाले को आप क्या करते हो, बाद में पैसे देते हो, तो वो पैसों के लिए आप पे डिपेंड करता है. तो सोसाइटी में इंटरडिपेंडेंस चलती है, हर इंसान दूसरे इंसान पे किसी ना किसी काम के लिए डिपेंड करेगा. सोसाइटी डायनेमिक होती है, सोसाइटी चेंज करती रहती है, ये स्टैटिक नहीं होती है, ठीक है. स्टैटिक क्या हुआ, जो चेंज नहीं हो गया. अब आप खुद ही सोचो, आपके जो पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम की सोसाइटी है वो अभी की सोसाइटी से कितनी अलग है ना. और जो हमारे बच्चे हैं ये जब बड़े हो जाएंगे, इनकी सोसाइटी हमारी सोसाइटी से अलग होगी. तो डायनेमिक हुआ, सोसाइटी हम पे सोशल कंट्रोल पुट करती है. आप कुछ भी नहीं पहन सकते, कुछ भी नहीं बोल सकते हो सोसाइटी में. थोड़ा बहुत रेगुलेशन, नॉर्म्स एंड बिहेवियर आपको सोसाइटी में अपना फॉलो करना पड़ता है. सोसाइटी का एक कल्चर होता है, ठीक है. एक कल्चर जो आप फॉलो करते हो, हर सोसाइटी में हमें कल्चर दिखेगा. हमने बातें सुनी है ना, हमारे कल्चर में ऐसा नहीं है, हमारे कल्चर में लड़कियां ये नहीं करती हैं. तो ये जो कल्चर है कहाँ से आता है, आपकी सोसाइटी से ही. एंड ग्रेगेरियस इंस्टिंक्ट. ग्रेगेरियस इंस्टिंक्ट क्या होता है, इंसानों को कंपनीज में रहना पसंद होता है, ठीक है. आइसोलेशन में कोई नहीं रहना चाहता है, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग होना चाहिए दूसरे लोगों के साथ. तो ये जो इंस्टिंक्ट होता है सोसाइटी में प्रेजेंट होता है, तभी सोसाइटी बनती है. क्योंकि हर कोई चाहता है एक कंपेनियनशिप हो, लोग इकट्ठे रहें, इंटरैक्ट करें, ठीक है. अलग रहना, आइसोलेटेड रहना किसी को पसंद नहीं होता है. तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. अब ओरिजिन ऑफ सोसाइटी है, इसकी जो थियोरीज हैं उन थियोरीज के नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि हो सकता है यहाँ से आपको सोसाइटी पूछी जाए ओरिजिन थियोरी एंड बोला जाए किस थिंकर ने दी हुई है, ठीक है. तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा आप याद रखोगे, पेट्रियार्कल एंड मेट्रियार्कल थियोरीज, ये इंपॉर्टेंट है. पेट्रियार्कल कौन सी होती है, जहाँ पे फादर जो एल्डेस्ट मेल मेंबर है उनके पास अथॉरिटी हो फैमिली की. एंड मेट्रियार्कल होता है एल्डेस्ट फीमेल मेंबर के पास अथॉरिटी होती है फैमिली की, ठीक है. एंड पेट्रियार्कल किसने दी थी, मेन ने एंड जेंक्स ने क्या दी थी, मेट्रियार्कल. थियरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये तीन जनों ने दी थी, हॉबीज, लॉकी एंड रोशियो ने, ठीक है. तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखोगे. हॉबीज जो है उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था जो लोग थे पुराने वो अच्छे नहीं थे, ठीक है. तो अनसर्टेनिटी थी उनकी सोसाइटी में. आई नास्टी एंड ब्रूटिश मीन्स वो नेगेटिव टर्म्स उनके साथ एसोसिएट किए गए हैं कि कनिंग थे, अच्छे लोग नहीं थे, सोसाइटी में एक केओस काइंड ऑफ था. एंड उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए लोग एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत आए और उन्होंने क्या कहा, हमें एक हैप्पी लाइफ जो है वो जीनी है. इसी कॉन्सेप्ट से कहाँ आपकी सोसाइटी कहाँ आई, वो इमर्ज हो गई. तो उन्होंने कहा सोसाइटी वॉज द रिजल्ट ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और ये उन्होंने अपनी बुक में लिखा लेवेथियन में. ये किसका कॉन्सेप्ट है, हॉबीज का, ठीक है. अब लॉकी देखो, लॉकियों ने कहा कि जो लोग हैं इन सोसाइटी में वो ऑलरेडी पीसफुल लाइफ जी रहे थे, लेकिन उनको था कि उनके पास कुछ रेगुलेशन आनी चाहिए. दैट मीन्स कोई एक पावर होना चाहिए जो उनको कंट्रोल कर सके. तो उस कंट्रोलिंग और एक रेगुलेटरी पावर के लिए क्या हुआ, लोग सामने आए एंड उन्होंने एक अग्रीमेंट किया जहां से सोसाइटी इमर्ज हुई. फिर रोशियो ने क्या कहा, द नीड एंड द नेसेसिटी ऑफ सोसाइटी वॉज रियलाइज ओनली टू सर्व एवर इंक्रीजिंग सोशल प्रॉब्लम. सोशल प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ रही थी एंड उनको रिजॉल्व करने के लिए, पीसफुली रहने के लिए, अगेन जो लोग थे दे एंटर इन टू एन अग्रीमेंट एंड सोसाइटी केम इन टू बींग, ठीक है. बट दीज थियरीज हैव नो हिस्टोरिकल ट्रूथ, लेकिन इंपॉर्टेंट है, आपको ये सारी पता होनी चाहिए. तो मैं यहाँ पर आपको जल्दी पढ़ा रही हूँ. अगर किसी को लग रहा है मेरी स्पीड ज़्यादा है बोलने की, तो यूट्यूब में ऑप्शन आता है स्पीड कम करने का, वहाँ से आप स्पीड रिड्यूस कर सकते हो. लेकिन मैं जल्दी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है, टाइम काफ़ी कम है. फिर आगे आपका ऑर्गेनिक थियोरी ऑफ सोसाइटी, हर्बर्ट स्पेंसर, ये भी इंपॉर्टेंट है. तो हर्बर्ट स्पेंसर जो है इनको डार्विनिज्म के साथ भी एसोसिएट किया जाता है. डार्विनिज्म ने क्या कहा था
उन्होंने कहा था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है, कौन सर्वाइव करते थे, कौन एनिमल्स, नई स्पीशीज कौन सी सर्वाइव करती थी, जो एक उस एनवायरनमेंट, जो नया एनवायरनमेंट आ रहा है उसमें वो उसको टॉलरेट कर पाई, ठीक है। तो उन्होंने यही चीज सोसाइटी में भी लगाई, उन्होंने कहा सोसाइटी इवॉल्व होके ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है, ठीक है, एंड जो लोग उस कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में रहने के काबिलियत रखते हैं, जो उतने केपेबल होते हैं, जो नई सोसाइटी की कम्प्लेक्सिटीज को टॉलरेट कर पाए, वही लोग सर्वाइव करते हैं, पुराने लोग खत्म होते जाते हैं। तो ये था उनका सोशल डार्विनिज्म का कॉन्सेप्ट भी इनको बोला जाता है। एक तो ये आप इससे रिलेट करते हो, एंड सेकेंडली इन्होंने ऑर्गेनिक थियरी ऑफ सोसाइटी भी दी थी। इन्होंने क्या कहा था, एनालॉजी ड्रॉ की थी बिटवीन द ऑर्गन्स ऑफ एन इंडिविजुअल एंड सोशल ऑर्गेनिज्म। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे आप इन्होंने कहा था एक इंसान होता है उसके अंदर काफी ऑर्गन्स होते हैं ना, जैसे हमारा हार्ट होता है, किडनी हो गई, ठीक है, लिवर हो गया। अगर किसी का लिवर डैमेज हो जाए या किडनी डैमेज हो जाए, हार्ट फंक्शन ना करे, ब्रेन फंक्शन ना करे, तो इंसान खत्म हो जाएगा ना, मर जाएगा। तो ये सारे जो ऑर्गन्स होते हैं, ये इन कोऑर्डिनेशन काम करते हैं ताकि बॉडी एज अ होल सर्वाइव करे। तो इन्होंने कहा सोसाइटी में भी ऐसा होता है कि जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं या लोग हैं जो भी सोसाइटी में प्रेजेंट है, वो एक कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन के साथ काम करते हैं। अगर एक पार्ट ऑफ सोसाइटी जो है वो खत्म हो जाएगी, सोसाइटी और एज अ होल ओवरऑल सर्वाइव नहीं कर पाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फैमिली एक इंस्टीट्यूशन है सोसाइटी का, या लॉ एक इंस्टीट्यूशन है, या रिलीजन एक इंस्टीट्यूशन है। अगर ये जो डिफरेंट इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस हैं, इसमें से एक भी इंस्टीट्यूशन को आप हटा दो, सोसाइटी क्रम्बल करेगी, ठीक है। सारे इंस्टीट्यूशंस को कोऑर्डिनेशन में चलना पड़ता है सोसाइटी एज ए होल को जिंदा रखने के लिए, ठीक। ग्रुप माइंड थ्योरी दी थी मैकडॉगल ने, कि इसने कहा था ग्रुप माइंड जो है वो कंट्रोल करता है इंडिविजुअल माइंड का, दैट मीन जो ग्रुप है उसको इसने प्रेसिडेंस दी थी ओवर इंडिविजुअल, ठीक है। इंडिविजुअल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्रुप ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलो, मॉडर्न थ्योरी वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखो प्री रिक्विजिट क्या होते हैं सोसाइटी के, ये सेल्फ परपेचुएटिंग है, दैट मीन्स ये खुद से इवॉल्व होती जाती है। ऐसा नहीं है कि लोग ही इसको चला रहे हैं, लोग जैसे चाहेंगे सोसाइटी वैसी बनेगी, या लोग खत्म हो जाएंगे सोसाइटी खत्म हो जाएगी, ये खुद को इवॉल्व करती रहती है, ठीक है। ऑर्गेनाइज होती है सोसाइटी, बिल्कुल ही हैफजर्डली अरेंज नहीं होते, कुछ ना कुछ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या कुछ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको सोसाइटी में देखने को मिलेगी। एंड इट इज ऑलवेज गाइडेड बाय सम एक्सेप्टेड नॉर्म्स एंड वैल्यूज, कुछ नॉर्म्स वैल्यूज होते हैं जिनके तहत सोसाइटी चलती है, कुछ रेगुलेशन होते हैं। जैसे मैंने कहा, आप अपनी मर्जी का हमेशा नहीं पहन सकते, जो भी मानना है पहनो, आप जिस सोसाइटी के हो आपको उसकी रेस्पेक्ट करनी पड़ती है। टाइप्स ऑफ सोसाइटी ये इंपॉर्टेंट है, फर्डिनेंड टोनीज ने दिया था जेमिन शाफ्ट एंड जेसल शाफ्ट। देखो जेमिन शाफ्ट हम रिलेट करते हैं कम्युनिटी से, एंड जेसल शाफ्ट हम रिलेट करते हैं एसोसिएशन से, ठीक है। अब कम्युनिटी, देखो यहाँ पे लोगों को काफी कंफ्यूजन होता है कम्युनिटी एसोसिएशन जेमिन शाफ्ट जेसल शाफ्ट में। लोग बोलते हैं जेसल शाफ्ट सोसाइटी है, ऑल दो जब हम सोसाइटी अगर बोलेंगे वो हम जेसल शाफ्ट के साथ ही रिलेट करेंगे, लेकिन आप इसको रट्टा मत करो, एटलीस्ट वो स्टूडेंट्स जिनको मैंने लेक्चर में डिटेल में पढ़ाया है। ये दोनों टाइप्स ऑफ सोसाइटी हैं, तो आप ये नहीं बोल सकते जैसल शाफ्ट सोसाइटी है और ये कम्युनिटी है, ये दोनों क्या आती हैं, टाइप्स ऑफ सोसाइटी। लेकिन हम अब एसोसिएशन को रिलेट करते हैं जैसल शाफ्ट के साथ, कम्युनिटी को जेमिन शाफ्ट के साथ, दैट मीन्स जहां पे भी यूनिटी बॉन्डिंग और इकट्ठे रहने वाली सेंस ऑफ बिलोंगिंग वाली बात आएगी, वो जेमिन शाफ्ट का पार्ट हुआ। एसोसिएशन को हम रिलेट करते हैं जैसल शाफ्ट के साथ, मतलब जो सेल्फ इंटरेस्ट वाली सोसाइटी होगी, जो अपने बारे में सोचेगी, जहाँ पे इंडिविजुअल पे ज्यादा फोकस होगा ना कि कलेक्टिव स्पिरिट ज्यादा होगा, ठीक है, वो टाइप ऑफ सोसाइटी होता है जेसल शाफ्ट। दुर्खेम ने कहा था मैकेनिकल ऑर्गेनिक सॉलिडैरिटी, इन्होंने कहा था पुरानी सोसाइटीज में मैकेनिक सॉलिडैरिटी होती थी एंड नई सोसाइटीज में ऑर्गेनिक सॉलिडैरिटी है, दैट मीन सॉलिडैरिटी, सॉलिडैरिटी क्या होता है वो यूनिटी वगैरह, ये प्रेजेंट दोनों सोसाइटी में है, लेकिन पुरानी सोसाइटीज में सॉलिडैरिटी होती थी सिमिलैरिटी की वजह से, एंड नई सोसाइटीज में जो सॉलिडारिटी है वो इंटरडिपेंडेंस की वजह से है, म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस, ठीक है। जैसे मैंने कहा हर इंसान दूसरे इंसान पे डिपेंड करता है किसी काम के लिए। अब पुरानी सोसाइटीज में इन्होंने कहा था ऑक्यूपेशंस फ्यू थे, इसी वजह से कम काम लोग करते थे, सिमिलर ऑलमोस्ट सिमिलर टास्क सारे करते थे, मोस्टली फार्मिंग में इन्वॉल्व होते थे, तो इस वजह से एक सॉलिडारिटी थी। लेकिन नई सोसाइटीज में क्या आता है, ऑक्यूपेशनल डाइवर्सिफिकेशन है, ऑक्यूपेशनल डाइवर्सिफिकेशन है, ठीक है। उन हर ऑक्यूपेशन जो है वो दूसरे ऑक्यूपेशन पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक मोबाइल फोन है, ये मोबाइल फोन जो है ये एक जगह नहीं बनता है ना, असेंबल फॉर्म में बनता है, कहीं पे स्क्रीन बनता है, कहीं पे बैटरीज बनती हैं, कहीं इसके सॉफ्टवेयर डेवलप होते हैं, कहीं हार्डवेयर पे काम होता है,
ठीक है। एंड जो हर कंपनी होगी, जो हर काम करती होगी, स्क्रीन बनाने वाली, वो बैटरी वाली पे भी डिपेंड करेगी, क्योंकि उनको फोन जो है, मोबाइल फोन, वो किसी कंपनी को एज अ होल भेजना है। तो ऐसा नहीं है स्क्रीन बनाने वाला सिर्फ आपको स्क्रीन नहीं दे सकता है, स्क्रीन बनाने वाले को डिपेंड करना पड़ेगा बैटरी बनाने वाले पे, सॉफ्टवेयर डेवलप करने वाले पे, हार्डवेयर बनाने वाले पे, ठीक है। तो उसको सारे किस पे डिपेंड करना पड़ेगा, बाकी सारे ऑक्यूपेशन पे। तो इसको हम बोलते हैं ऑक्यूपेशन डाइवर्सिफिकेशन काफी ज्यादा है। एंड इसमें सॉलिडैरिटी कैसे है, जैसे मैंने आपको फोन की एग्जाम्पल दी, हर ऑक्यूपेशन दूसरे ऑक्यूपेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये था बोलना दुर्खेम का। स्पेंसर ने कहा था मिलिटेंट एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी, मिलिटेंट उन्होंने कहा था ये वॉयलेंट सोसाइटी है, इसमें वॉयलेंट वाला याद रख लो, वॉर बेस्ड सोसाइटी। एंड इंडस्ट्रियल उन्होंने कहा था रिलेटिवली पीसफुल सोसाइटी है, ठीक है। ये कीवर्ड्स याद रख लो, फिर स्टेटमेंट अगर बेस्ड कोई भी आएगी, ये कीवर्ड्स दिमाग में रखे, वो एमसीक्यू सॉल्व कर लेना। रॉबर्ट रेडफील्ड ने कहा था फोक एंड अर्बन सोसाइटी, फोक हम नाम से पता चल रहा है रूरल सोसाइटी से रिलेट करेंगे, अर्बन आपकी नई मॉडर्न शहरों वाली सोसाइटी। एंथनी गिडेंस ने कहा था पहले हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी आई, ये कौन सी थी, वो अर्ली मैन वाली जो हंट करते थे सिर्फ एनिमल्स को एंड वगैरह वही चीज़ें खाते थे या फ्रूट गैदरिंग वगैरह करते थे। पेस्टोरल सोसाइटी कौन सी आई आपकी, जो आपके बाद में ये गाय बकरियां वगैरह चराते हैं ना, शेफर्ड काउहर्ड वगैरह, तो वो सोसाइटी पेस्टोरल सोसाइटी आ गई, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती रहेगी। अग्रेरियन आ गई थोड़ी बहुत सेटल्ड सोसाइटी, जो फार्मिंग करेगी, फार्मिंग वाली सोसाइटीज एक जगह सेटल हो जाती हैं। फिर ट्रेडिशनल स्टेट एंड सिविलाइजेशन, तो फार्मिंग के बाद जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है वो डेवलप हो गए। फिर आ गया आपका पार्सन, पार्सन ने कहा कॉन्स्टिट्यूटिव सिंबलिज्म, कॉन्स्टिट्यूटिव सिंबलिज्म क्या हुआ, सिंबॉलिक वे में बातें करना, ठीक है, सिंबल से। तो पहले लैंग्वेज डेवलप नहीं हुई थी ना, तो सिंबल से एक दूसरे से लोग बातें क्या करते थे, ये पार्सन्स के कहने का मतलब था। एडवांस प्रिमिटिव सोसाइटी आ गई, बिल्कुल पुरानी सोसाइटी। फिर आ गई आपकी इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटीज, एंड पुरानी सोसाइटी इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी के बीच में एक थी इंटरमीडिएट सोसाइटीज, ठीक है। तो ये किसने दिया था, पार्सन्स ने, इनके नाम याद रखने हैं आपको। फिर आ गया यहाँ पे, ये नाम याद रख सकते हो, दुर्खेम ने क्या कही थी, स्पेंसर ने कौन सी दी थी, हेनरी मेन ने, हॉवर्ड ने, कार्ल मार्क्स ने, कार्ल मैनहेम ने, कार्ल पॉपर ने, ठीक है। ये यहाँ से टेबल आप याद कर सकते हो, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं है, आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं। कम्युनिटी, देखो कम्युनिटी क्या होता है, वो लोग जो इकट्ठे रहते हैं लेकिन उन लोगों के बीच में अच्छी खासी बॉन्डिंग होती है, दैट मीन्स उनमें वी फीलिंग वाला सेंटिमेंट होता है, वी फीलिंग होता है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग। तो ये दो चीज़ें आप याद रखोगे, ये एक दो चीज़ें आप याद रखोगे किसके, कम्युनिटी के लेके, कम्युनिटी को लेके। तो क्वेश्चंस यूजुअली इसमें इसी अराउंड बनते हैं, ठीक है। तो वी फीलिंग, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग, और उनकी एक लोकेलिटी होती है जहाँ पे एक कम्युनिटी रहती है। तो ये दो तीन कीवर्ड्स आपको कम्युनिटी के याद रखने हैं। इतनी डिटेल्स आपको अभी पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास अभी टाइम नहीं है, जिसने डिटेल्स पढ़ी है तो इट्स गुड फॉर देम। और याद रखो कम्युनिटी वर्ड जो है दो लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, एक कॉम हो गया, एक आपका म्यूनिस हो गया, ठीक है। कॉम का मतलब होता है टुगेदर, म्यूनिस मीन्स टू सर्व, तो कम्युनिटी क्या होगा, टू सर्व टुगेदर। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखोगे। फिर फीचर्स ऑफ कम्युनिटी, दो इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको याद रखने, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं लोकेलिटी एंड कम्युनिटी सेंटिमेंट, ठीक है। बाकी हो गया ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, नेचुरलिटी होती है कि नेचुरली आकर करते हैं, ऐसा नहीं है लोग डिसाइड करेंगे फिर प्लान करेंगे फिर बनाएंगे, परमानेंस होती है उनमें, ऑल दो कुछ टेम्प्रेरी कम्युनिटीज भी होती हैं पर मोस्ट लाइकली परमानेंट होती है। लाइकनेस होती है इनमें, डिफरेंसेस कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते, क्योंकि हमने कम्युनिटी सेंटिमेंट और सेंस ऑफ बिलोंगिंग जैसी बातें की कम्युनिटी के साथ रिलेटेड, तो यहाँ से आप आराम से गेस कर सकते हो कि उनमें कम्युनिटीज में लाइकनेस ही होगी, ठीक है। आगे देखते हैं, अब पर्टिकुलर नेम कम्युनिटी का एक नाम भी होता है, जैसे कश्मीरी पंडित्स की एक कम्युनिटी है, ठीक है, कश्मीरी पंडित्स हो गया, तो एक नाम होता है कम्युनिटी का। कॉमन टाइप की लाइफ वो जीते हैं, कुछ एक साइज होता है कम्युनिटी का, या तो बड़ी होंगी या तो छोटी होंगी। रेगुलेशन ऑफ रिलेशन, ऑल दो लाइकनेस होती है लेकिन थोड़ी बहुत रेगुलेशन भी होती है, ऐसा नहीं है कि लोग अपनी मनमानी हमेशा करेंगे, आपको जो रिलेशन है वो रेगुलेटेड रेगुलेटरी फॉर्म में मिलेंगे। तो ये हो गया फीचर्स ऑफ कम्युनिटी, ये याद रख लेना, थियोरीज ये छोड़ दो, ये भी छोड़ दो। फिर ये डिफरेंसेस एक बार ही देख लेना, ठीक है। सोसाइटी जो है ये वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप है, और ये किसने कहा था, ये मैकाइवर ने कहा था, ये मैंने आपको डेफिनेशन वाले वीडियो में पढ़ाया हुआ है। फिर कम्युनिटी जो है उसको ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स बोलते हैं, लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया एंड उनमें कुछ वी फीलिंग होती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं जिनसे हम बोल सकते हैं कि कम्युनिटी है कि नहीं, तो वो एक आपका वी फीलिंग आ जाता है, एंड एक आपका क्या आ जाता है, लोकेलिटी।
ठीक है, एक डेफिनेट ज्योग्राफिकल एरिया इज नॉट एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी, लेकिन इसका है, सोसाइटी एब्स्ट्रैक्ट है, कम्युनिटी कंक्रीट है, कम्युनिटी सेंटिमेंट इसमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसमें डेफिनेटली होता है, सोसाइटी बड़ी होती है, कम्युनिटी जो है स्मॉलर देन अ सोसाइटी, इसके जो ऑब्जेक्टिव एंड इंटरेस्ट होते हैं वो ज्यादा बड़े होते हैं, वैरिड होते हैं, इसके मोस्टली कंपेरेटिवली लेस एक्सटेंसिव वैरिड होते हैं, क्योंकि कम्युनिटी जो होती है इसमें कॉमन इंटरेस्ट होता है लोगों का, ठीक है, ये हमने अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आई गेस हमने ये अभी बता पढ़ा था, एक कॉमन टाइप की लाइफ जो है कम्युनिटी वो लोग स्पेंड करते हैं। सोसाइटी में लाइकनेस भी है, डिफरेंसेस भी है, एंड लाइकनेस जो है मोर इम्पॉर्टेंट है देन डिफरेंसेस इन कम्युनिटी, ठीक है, कम्युनिटी में यूजुअली आपको क्या मिलेगी, लाइकनेस ही देखने को मिलेगी। ये हो गया सोसाइटी कम्युनिटी, फिर चलते हैं एसोसिएशन। एसोसिएशन में आप क्या चीज याद रखोगे, एसोसिएशन वो फॉर्म होती है जो किसी एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट के लिए फॉर्म हुई हो, पर्टिकुलर इंटरेस्ट के लिए, ठीक है, दैट मीन्स ये किसी एक गोल के लिए, स्पेसिफिक गोल के लिए फॉर्म की जाती है, जैसे आपकी फुटबॉल एसोसिएशन है तो फुटबॉल के रिलेटेड एक एसोसिएशन बनती है, दैट मीन्स जो गोल है वो पहले से ही क्लियर होता है, फाइन, एंड ये वॉलंटरी होती है, अपनी मर्जी से आप एसोसिएशन फॉर्म करते हो। मैकाइवर ने क्या कहा था, डेलिबरेटली फॉर्म, ये मैंने आपको डेफिनेशन में कराया है, एंड आपको याद कैसे रखनी है डेफिनेशन वो भी मैंने आपको बताया हुआ है। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो, ह्यूमन ग्रुप है, कॉमन इंटरेस्ट होंगे, ऑब्वियसली जो फुटबॉल एसोसिएशन ज्वाइन करेगा वो इसीलिए करेगा क्योंकि उसका उसमें इंटरेस्ट होगा, तो ऑर्गेनाइजेशन है मतलब एक अच्छा फ्रेमवर्क होगा जिसके अंडर एसोसिएशन जो है काम करेगी, रेगुलेशन इसमें भी होता है, कॉपरेटिव स्पिरिट होता है क्योंकि मेंबर्स आपस में कॉपरेट करने चाहिए, वॉलेंटरी होता है, एसोसिएशन एज एजेंसीज काम करती है, मतलब इनके कुछ लॉज होते हैं, कुछ रेगुलेशन होते हैं, एसोसिएशन हैज कॉर्पोरेट कैरेक्टर, कॉर्पोरेट कैरेक्टर क्या होता है, जैसे कॉर्पोरेट में आपके कुछ राइट्स होते हैं जो आपको करने होते हैं, आपको जो मिले होते हैं, एंड कुछ ड्यूटीज होती है जो आपको परफॉर्म करनी होती है, अकॉर्डिंगली एसोसिएशन में भी यही होता है, ठीक है, ड्यूरेबिलिटी होता है कि टेम्पररी भी हो सकते हैं एंड परमानेंट भी हो सकते हैं, जैसे हमने कम्युनिटी में क्या पढ़ा वो मोस्टली क्या होते हैं, परमानेंट। फिर कुछ डिफरेंसेस देख लो, मेंबरशिप जो है इसमें वॉलंटरी होती है एंड इसमें वॉलंटरी नहीं होती है, इट्स रादर कंपल्सरी, कि जिस कम्युनिटी में पैदा हुए, जैसे जो कश्मीरी कम्युनिटी में पैदा हुआ है, क्या वो आज से 100 साल बाद भी ये बोल सकता है मैं कश्मीरी पंडित कम्युनिटी का नहीं हूँ, जो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी है, ठीक है, तो ये कंपल्सरी है, वॉलंटरी है। एंड एसोसिएशन हैज सम स्पेसिफिक इंटरेस्ट, जैसे मैंने कहा किसी स्पेसिफिक इंटरेस्ट गोल के लिए बनी होती है, एंड का जनरल होता है, डज नॉट नेसेसरीली लाइक द स्पेशल एस्पेक्ट, इट इज मार्क्ड बाय लोकैलिटी, तो इसमें लोकैलिटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता है एसोसिएशन में, कम्युनिटी में आता है, ठीक, एंड एसोसिएशन जो है वो स्टेबल भी हो सकती है, लॉन्ग लास्टिंग भी हो सकती है, टेम्प्रोरी भी, परमानेंट भी, एंड जो कम्युनिटी इट इज मोर और लेस परमानेंट, ठीक है, एसोसिएशन मे हैव देयर लीगल स्टेटस, जो हमने अभी पढ़ा एज एजेंसीज वो एक्ट करते हैं, कम्युनिटी का कोई लीगल स्टेटस नहीं होता है, एसोसिएशन मे हैव देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन टू रेगुलेट द रिलेशन ऑफ मेंबर, वो रिटन या अनरिटन हो सकते हैं, लेकिन जो कम्युनिटी है उनके कोई रिटन रूल्स नहीं होते हैं, ठीक है, वो बाय मीन्स ऑफ कस्टम्स ट्रेडिशन एक्सेट्रा चलती हैं, जैसे हम कोई फुटबॉल एसोसिएशन फॉर्म की है किसी ने, तो उस एसोसिएशन के कहीं पर रिटन फॉर्मेट में प्रेजेंट होंगे रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है, अनरिटन अनस्पोकन भी हो सकते हैं बट मोस्टली रिटन होते हैं, लेकिन कम्युनिटी में रिटन नहीं होते हैं, इट इज एसोसिएशन जो है वो पार्शियल है, इट मे बी रिगार्डेड एज अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, कम्युनिटी इंटीग्रल है, इट मे हैव बाउंड्री विद इन इट्स बाउंड्री सेवरल एसोसिएशन, जैसे ये कश्मीरी पंडित कम्युनिटी है फॉर एग्जाम्पल केपीसी, ठीक है, इसके अंडर डिफरेंट एसोसिएशन हो सकते हैं बनी हुई हो, तो एसोसिएशन को हम पार्शियल बोलते हैं एंड कम्युनिटी को हम इंटीग्रल बोलते हैं, और एक कम्युनिटी में काफी काफी सारी एसोसिएशन आप देख सकते हो, तो ये था थोड़ा बहुत सोसाइटी कम्युनिटी एसोसिएशन का। फिर देखो स्ट्रेटिफिकेशन में क्या इंपॉर्टेंट है, पहले मैं बताती हूँ होता क्या है, सोसाइटी जो है वेरियस लेयर्स में डिवाइडेड होती है, ठीक है, लेयर्स में डिवाइडेड होती है, स्ट्रेटिफिकेशन होता है बेसिकली जो स्ट्राटा है वर्ड ही निकला है लेयर्स से, अब वो डिवाइडेड क्यों होती है एंड वो लेयर्स कौन सी होती हैं, उसके लिए आपको एक चीज़ समझनी होगी, सोसाइटी में डिफरेंसेस होती है ना, जैसे मेल्स अलग हैं एंड फीमेल्स अलग हैं, ये बायोलॉजिकल डिफरेंस है, ठीक है, नॉर्मल है, ये बात कोई नहीं नकार सकता, लड़के अलग है लड़कियां अलग है, लेकिन अभी तक इसमें इक्वालिटी इनइक्वालिटी की बात नहीं आती है, ठीक है, जब हम इस नेचुरल डिफरेंस को ये बोलना शुरू करते हैं कोई एक चीज सुपीरियर है एंड कोई एक चीज इन्फीरियर है, दैट मीन जब हम इन नेचुरल डिफरेंसेस पे वैल्यूज अटैच करना शुरू हो जाते हैं तो सोसाइटी में क्या हो जाता है, डिविजन्स होते हैं, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, जैसे वाइट्स एंड ब्लैक्स हैं, ये जिसको जो कलर दिया हुआ है वो अल्लाह ने दिया है, कोई गोरा होता है कोई काला होता है, डिफरेंट तो है, ये हम एक्सेप्ट करते हैं, नेचुरल डिफरेंस है, लेकिन जब हम फेयर स्किन को इवेलुएट करके सुपीरियर बनाते हैं एंड ब्राउन स्किन को इवेलुएट करके इन्फीरियर बनाते हैं, तो सोसाइटी में सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होती है, दैट मीन्स हमने इक्वालिटी इनइक्वालिटी डिजायरेबिलिटी अनडिजायरेबिलिटी
सुपीरियॉरिटी इन्फीरियॉरिटी ऐसे सारे नोशंस जो हैं इन नेचुरल डिफरेंसेस के साथ अटैच किए हैं, वो आपका होता है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। तो इसमें डिफरेंसिएशन होती है, पहले डिफरेंस हमें पता है कि सोसाइटी में है, हम इवेल्युएट करते हैं किसी को सुपीरियर बनाया किसी को इंफीरियर बनाया, फिर उसकी रैंक करते हैं। फॉर एग्जांपल फेयर स्किन को हमने नंबर 1 दे दिया, व्हीटिश स्किन को हमने नंबर 2 दे दिया एंड ब्राउन स्किन को नंबर 3 दे दिया, हमने रैंकिंग की एंड फिर रिवॉर्ड किया कि जो गोरा है उससे सारे तारीफें करते रहो उसकी, जो व्हीटिश है उसको बोला करो कि हाँ थोड़ा सा लगा ले तू भी गोरा हो जाएगा, एंड जो ब्राउन स्किन वाला है उस बेचारे को जीने ही नहीं दो सोसाइटी में, ठीक है। तो ये होता है फिर रिवॉर्ड करना एंड अकॉर्डिंगली पनिश करना। तो इन सब चीज़ों से क्या हो जाता है सोसाइटी में, एक लेयर्स जैसा डिविजन क्रिएट हो जाता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। इसमें आप क्या याद रखोगे, थियरीज ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में जल्दी देख लो, इकोनॉमिक थियरी जो है वो कार्ल मार्क्स ने दी थी। मैं शॉर्ट और सिंपल तरीके से आपको बताती हूँ, इसकी मैंने डिटेल अपने लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया हुआ है। कार्ल मार्क्स ने दी थी। तो ये थियरी क्या होती है इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म की, वो कहते हैं बेसिकली सोसाइटी में एक आपके हैव्स होते हैं एंड एक आपके हैव नॉट्स होते हैं, ठीक है। हैव्स हो गए आपके कैपिटलिस्ट एंड हैव नॉट्स होते हैं आपके वर्कर्स लेबर्स मजदूर वगैरह। कैपिटलिस्ट को इन्होंने कहा था बर्जुआ एंड वर्कर्स होते हैं प्रोलेटेरियट्स, इनको ये भी बोला जाता है, ठीक है। कीवर्ड्स याद करना, हो सकता है एग्जाम में बर्जुआ एंड प्रोलेटेरियट करके क्वेश्चन आए, कैपिटलिस्ट वर्कर या हैव नॉट नहीं लिखा हो। तो बेसिकली क्या करते हैं, काम सारे हैव नॉट्स करते हैं, प्रॉफिट सारे हैव्स ले जाते हैं। एंड सोसाइटी सिर्फ दो चीजों में डिवाइड है, इन्हीं दो क्लासेस में डिवाइडेड है, ये इनका कहना था। अब इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म का क्या मतलब हुआ, सोसाइटी का जो भी इंस्टीट्यूशन है उसमें जो डिवीजन है वो इकोनॉमी डिटर्मिन करती है। फॉर एग्जांपल अगर किसी टेंपल में दर्शन करने के लिए अंबानीज को जाना होता है, क्या उनको किसी लाइन में रहने की ज़रूरत है, वो तो चाहे टेंपल के ऊपर एक हेलीपैड बनवा के वहीं डायरेक्टली जाके दर्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्यों है, ऑल्दो उनको भी लाइन में खड़े रहना चाहिए ना, क्योंकि टेम्पल तो रिलीजन वाली चीज़ है, ये उनका ऑफिस थोड़ी है कि उनको पहली एंट्री मिलेगी, पर उनको मिल जाती है, क्यों, क्योंकि उनके पास पैसा है। ऐसे ही लॉज जो हैं, लॉज गवर्नमेंट वैसे ही बनाती है जो रिच को फेवर करे। तो हर सोसाइटी का जो हर इंस्टीट्यूशन है हर चीज़ है वो इकोनॉमी डिटरमिन करती है। आप गरीब हो तो आपकी हालत क्या होगी, आप अमीर हो तो सोसाइटी के सब इंस्टीट्यूशंस में आपकी हालत क्या होगी, ये कार्ल मार्क्स के कहने का मतलब था, ठीक है। अब फंक्शनलिस्ट थ्योरी बाय डेविस एंड मोरे, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था सोसाइटी जो है उसमें ये जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है ये फंक्शनल है, दैट मीन्स सोसाइटी के लिए अच्छी है एंड सोसाइटी के लिए कोई काम करती है। इन्होंने बुक लिखी थी सम प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है, सॉरी। तो उसमें इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था सोसाइटी में क्या होते हैं, कोई इंपॉर्टेंट पोजीशंस होती हैं, फॉर एग्जांपल डॉक्टर बनना है या टीचर है, ठीक है, या क्लास 4 एम्प्लॉइज है, यहाँ पे क्लास 4 की एग्जांपल ले लेते हैं। तो सोसाइटी के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ये जो पोजिशन है ये प्रेस्टिजियस है, इसको आप हाई रैंक करोगे। टीचर जो है ऑल्दो कि काम बहुत करता है पर कहीं मिडिल में आता है, हाई रैंक इसको भी नहीं दोगे। क्लास 4 एम्प्लॉयज को, सो कॉल्ड क्लास 4 को आप लो रैंक दे देते हो, ठीक है, ये सोसाइटी देती है, मैं नहीं दे रही हूँ, आप इसमें इमोशंस वो अपने नहीं डालना, ये हम प्योरली एकेडमिक पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं। तो इनका ये आपको समझाने की एग्जाम्पल दे रही हूँ। डेविस एंड मोर ने क्या कहा था, ये जो इंपॉर्टेंट पोजिशंस है इनको फुलफिल करने के लिए आपको इंपॉर्टेंट केपेबल इंडिविजुअल्स चाहिए, केपेबल इंडिविजुअल्स, वो इंडिविजुअल जिनमें टैलेंट होगा, ठीक है। अब इनका कहना था ऑल्दो इससे सोसाइटी में स्ट्रैटिफिकेशन हो गई क्योंकि डिफरेंट प्रोफेशंस को हमने डिफरेंट लेयर पे रखा है, डिफरेंट रिवॉर्ड किया है, डिफरेंट रैंक किया है, लेकिन ये ज़रूरी था क्योंकि कुछ ही टैलेंटेड लोग हैं जो ये पोजीशंस फुलफिल कर पाते हैं एंड वो उनकी काबिलियत है कि वो डॉक्टर बन जाते हैं, ठीक है, या वो आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं, वो उनकी काबिलियत होती है। तो ये जो स्ट्रैटिफिकेशन है ये सोसाइटी में ज़रूरी है क्योंकि ये काम करती है इफेक्टिव रोल एलोकेशन की। ठीक है, तो क्या कर रही है स्ट्रैटिफिकेशन, ये डिवीजन क्या कर रहा है, ये जरूरी है क्योंकि ये रोल एलोकेट कर रहा है, ये टैलेंटेड लोगों को मिलाता है जो मोस्ट यूनिक
पोजीशंस होती हैं सोसाइटी की उनके साथ. अब देखो कोई आईएएस ऑफिसर है, कोई क्लास फोर्थ एम्प्लॉय है, ठीक है, कोई ग्रुप बी, कोई ग्रुप सी, कोई ग्रुप डी का एम्प्लॉय है. ऑल्दो इस चीज से क्या हो रहा है सोसाइटी में, स्ट्रेटिफिकेशन क्रिएट हो रही है ना, प्रोफेशनल लेयर्स बन रही है, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई कम इंपॉर्टेंट है. लेकिन ये लेयर जरूरी थी क्योंकि आईएएस ऑफिसर का काम अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एंड जो क्लर्क है, क्लर्क का काम अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, एंड आपको कुछ टैलेंटेड लोग चाहिए जो इन पोजिशंस को फुलफिल करें. हर कोई जो है वो आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकता, हर कोई जो है वो क्लर्कल जॉब नहीं कर सकता है. तो अकॉर्डिंगली आपको स्ट्रेटिफिकेशन जो है फंक्शनल टर्म्स में देखनी पड़ेगी, क्योंकि इसी जो रोल एलोकेशन हो रही है डिफरेंट प्रोफेशन में, उसी हिसाब में आपकी सोसाइटी सारी उसी वजह से चल रही है, ठीक है. तो ये था बोलना डेविस एंड मोरे का. तो ये सिर्फ मैं आपको इतना बोल रही हूँ जो अभी आपके रिविजन या इम्पोर्टेंट जल्दी समझने के लिए इम्पोर्टेंट है. डिटेल में मैंने आपको ये लेक्चर्स में ये चीजें समझाई हुई हैं. आगे चलते हैं कास्ट बेस्ड स्ट्रेटिफिकेशन. इसमें आप कुछ चीजें याद रखोगे. जो सोसाइटी है वो डिवाइड हुई है फोर वर्नाज में, वर्ना फ्रेमवर्क उसको बोला जाता है. हमारी सोसाइटी में चार वर्नाज हैं. ये हो गया आपका नंबर वन पे ब्राह्मण्स, नंबर टू, नंबर थ्री है, नंबर फोर. नंबर टू पे हो गया आपके क्षेत्रियास, वेश्याज या वेश्वास, एंड नंबर फोर पे होगी शूद्रास, ठीक है. तो ये वर्ण फ्रेमवर्क है, चार वर्ण में सोसाइटी आपकी कास्ट बेस्ड सोसाइटी जो है वो डिवाइड होती है, ठीक है. कास्ट में आपको कौन कौन सी चीजें याद रखनी है वो मैं आपको बताती हूँ. पहले देख लो पेक्यूलर टू इंडिया है, दैट मीन्स जो कास्ट सिस्टम है यूनिक टू इंडिया है, ठीक है. और इंडिया में कास्ट का इक्विवेलेंट क्या है, जाति. कास्ट वर्ड जो है ये इंडिया से नहीं आया है, वो भी हम आगे देखेंगे. तो ये इंडिया के यूनिक एक इंडिया का कॉन्सेप्ट है. बाकी आपको फॉरेन वेस्टर्न वर्ल्ड में क्लास सुनने को मिलेगा, कास्ट आपने कहीं और नहीं देखा होगा. द ऑरिजिन है कास्ट का टर्म कॉस्टा, या इसको कास्टा भी बोला जाता है. कॉस्टा ये ऐसे कास्ट लिखा होता है, ठीक है, मोस्टली एग्जाम में कॉस्टा लिखा होता है. ये एक स्पेनिश या पोर्तुगीज वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका मतलब होता है ब्रीड और लीनेज, ठीक है. द पोर्तुगीज जो है उन्होंने पहली बार यूज किया था कास्ट को टू डिनोट द डिविजन इन द इंडियन कास्ट सिस्टम. तो इसमें आप ये याद रखोगे. एंड ये जो सोसाइटी है चार वर्णास में डिवाइडेड है उसको हम बोलते हैं चतुर्वर्ण सिस्टम, वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, ये याद रखोगे. ये बुक्स आप देख लो, जी एस भूरिया ने लिखी है कास्ट एंड रेस इन इंडिया, एम एन श्रीनिवास ने लिखी है संस्कृताइजेशन डोमिनेंट कास्ट, लुई डुमॉन ने लिखी है होमो हायरार्किस, एंड लेवाई स्ट्रॉस ने लिखी है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बाइनरी ऑपोजिट्स. फिर सोशल क्लास में देखो क्या याद रखोगे आप. सोशल क्लास जो है ये भी एक टाइप ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन है. मैंने कहा सोसाइटी डिवाइड हो जाती है डिफरेंट लेयर्स में, वो लेयर जो होती है जो नेचुरल डिफरेंसेस होती है उसको हम इवेल्युएट करते हैं सुपीरियर और इंफीरियर, ठीक है, वो बेसिक है स्ट्रेटिफिकेशन का. फिर स्ट्रेटिफिकेशन किस किस के किस किस बेस पे होती है, कास्ट पे भी हो सकती है, क्लास पे भी हो सकती है. कास्ट जो है वो यूनिक है इंडिया में, इंडिया में ज्यादा होती है. क्लास जो है वो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, तो बाकी वर्ल्ड में आपको क्लास बेस्ड डिफरेंसिएशन देखने को मिलेगी. कभी कभी हम यूज करते हैं वर्ड क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट ग्रुप ऑफ प्रोफेसर्स, आर्टिस्ट, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स एंड स्टूडेंट्स. अब इसका ये थोड़े कैरेक्टरिस्टिक देख लो, कभी कभी कैरेक्टरिस्टिक बेस्ड क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से आ जाता है. एक स्टेटस ग्रुप है क्योंकि क्लास जो है वो आपका स्टेटस डिटरमिन करता है. अचीव्ड है और नॉट एंड नॉट एस्क्राइब स्टेटस. अचीव्ड होता है जो आपने खुद इस लाइफ में अचीव किया होता है. कैसे अचीव करोगे, अपनी एजुकेशन को इंक्रीज करके, अपनी इनकम को इंक्रीज करके, लाइफस्टाइल को चेंज करके, ठीक है. एंड अस्क्राइब स्टेटस होता है जो आपको बाय बर्थ मिला होता है. फॉर एग्जांपल कोई अगर ब्राह्मण पैदा हुआ है, वो ब्राह्मण उसकी अचीवमेंट नहीं है, वो बाय बर्थ पैदा हुआ है. क्लास सिस्टम यूनिवर्सल है, ऑलमोस्ट हर पूरे वर्ल्ड में आपको हर जगह देखने को मिलेगा. मोड ऑफ फीलिंग क्या होता है इसमें, आपको सोशल क्लास में एक मोड ऑफ फीलिंग भी देखने को मिलता है. फॉर एग्जाम्पल इसमें तीन टाइप्स ऑफ फीलिंग्स होती हैं जो लोगों के अंडर आती है. इक्वालिटी की, अगर आप सारे एक क्लास को बिलोंग करते हो तो इक्वालिटी की फीलिंग होगी. इन्फीरियोरिटी की फीलिंग, अगर कोई लो क्लास, सो कॉल्ड लो क्लास को बिलोंग करता है तो उसके अंदर इन्फीरियोरिटी वाली फीलिंग आ सकती है. एंड जो सो कॉल्ड हाई क्लास को बिलोंग करता है उनके अंदर कौन सी फीलिंग आती है, सुपीरियोरिटी वाली, ठीक है. एलिमेंट ऑफ प्रेस्टीज है, एलिमेंट ऑफ स्टेबिलिटी है. प्रेस्टीज थोड़ा बहुत होता है क्लास के बेसिस पे, जितनी ऊंची क्लास उतना ज़्यादा प्रेस्टीज. स्टेबिलिटी भी है, फॉर एग्जाम्पल जो हाई क्लास के लोग हैं इनके लिए काफ़ी, जो उनके फिर आगे बच्चे फर्दर जनरेशन हैं उनको एक स्टेबिलिटी मिल जाती है ना, तो काफ़ी मतलब कम चांस है कि अंबानी बच्चे आगे जाके गरीब हो जाए क्योंकि उन्हें ऑलरेडी इतना कमाया हुआ है उनके लिए. मोड ऑफ लिविंग इज नथिंग बट ए लाइफ स्टाइल. जो जिस क्लास को बिलोंग करते हैं उनका अकॉर्डिंगली एक लाइफ स्टाइल डेवलप होता है. सोशल क्लास ओपन ग्रुप है. ओपन ग्रुप कहने का क्या मतलब हो कि मोबिलिटी इसमें पॉसिबल है. दैट मीन्स अगर आज कोई लो क्लास को बिलोंग करता है, सो कॉल्ड लो क्लास,
ठीक है, वो कल को जाके हाई क्लास में भी उसकी एंट्री हो सकती है अगर वो अपनी एजुकेशन, इनकम वगैरह इन सब चीजों पे ध्यान दे। और इसके कंपैरिजन में हम कास्ट को क्या बोलते हैं, कास्ट एक क्लोज्ड ग्रुप है, क्लोज्ड ग्रुप। कि अगर कोई शूद्र पैदा हुआ है तो उसके लिए काफी मुश्किल है कि वो ब्राह्मण्स वाली कैटेगरी में आ जाए, ठीक है। ऑल्दो उसके अंदर भी मोबिलिटी थोड़ी बहुत पॉसिबल है, थोड़ी बहुत, लेकिन कास्ट सिस्टम को हम रिजिड इंस्टीट्यूशन बोलते हैं कि मोबिलिटी को इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं। सोशल क्लास जो है इकोनॉमिक ग्रुप है, लेकिन मतलब आपकी इकोनॉमी डिटरमिन करेगी आपकी क्लास। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है कि इट इज नॉट मेयर इकोनॉमिक ग्रुप और डिविजन। फॉर एग्जाम्पल आईएएस ऑफिसर्स ले लो, उनकी सैलरी बहुत कम होती है, उतनी ज्यादा नहीं होती है, ठीक है। सैलरी है केएस ऑफिसर्स की सैलरी, ठीक है। सैलरी वाइज जो है इकोनॉमिकली वो उतने ज्यादा वेल ऑफ नहीं हो सकते हैं, जो रिश्वत वगैरह इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं हो जाएंगे एज कम्पेयर टू अ बिजनेसमैन। लेकिन सोसाइटी में उनका एक स्टेटस और एक क्लास होता है उनके प्रोफेशन की वजह से, ठीक है। तो इट इज नॉट मेयरली एन इकोनॉमिक ग्रुप और डिविजन। सरोकी ने तीन मेजर टाइप ऑफ क्लास स्ट्रेटिफिकेशन दिए हैं, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड ऑक्यूपेशनल, ठीक है। और एक चीज होती है क्लास कॉन्शियसनेस, इट कंसिस्ट इन द रियलाइजेशन ऑफ ए सिमिलैरिटी ऑफ एटीट्यूड एंड बिहेवियर विद द मेंबर्स ऑफ अदर क्लास। और एक कॉन्सेप्ट क्लास कॉन्शियसनेस एंड क्लास स्ट्रगल किसने दिया था, कार्ल मार्क्स ने। तो क्लास कॉन्शियसनेस क्या होता है, इन्होंने कहा था कि जो क्लास है वो अभी जो हैव नॉट्स होते हैं बेसिकली वो अभी अवेयर नहीं है इस चीज के कि उनके साथ क्या हो रही है, उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। वो एक्सप्लॉयटेशन कौन करे, कैपिटलिस्ट। एक टाइम आएगा, इसको इन्होंने कहा था क्लास इन इटसेल्फ, ठीक है। फिर उन्होंने कहा था एक टाइम आएगा जब जो हैव नॉट्स का ग्रुप है वो अवेयर हो जाएंगे अपनी एक्सप्लॉयटेशन को, पता चलेगी कि हम एक्सप्लॉयट हो रहे हैं, तो तब वो ट्रांसफॉर्म होके बनेंगे क्लास फॉर इटसेल्फ। और वो कब आएगा, जब उनमें क्लास कॉन्शियसनेस पैदा हो जाएगी, ठीक है, कि हम एक सो कॉल्ड उस क्लास को बिलोंग कर रहे हैव नॉट्स वाली क्लास को, जिनको एक्सप्लॉयट किया जाता है। एंड जब ये उनमें अवेयरनेस आ जाएगी तो वो प्रोटेस्ट करेंगे, एक रेवोल्यूशन आएगा, और वो क्या करेंगे उस रेवोल्यूशन से, वो ओवरथ्रो करेंगे आपके कैपिटलिस्ट को, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल टर्म में मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और कीवर्ड्स भी साथ साथ बताए हैं। अगर एग्जाम में कोई भी कीवर्ड इससे रिलेटेड आए तो कार्ल मार्क्स से करोगे आप उसको, कार्ल मार्क्स उसका आंसर होगा, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स को अगर देखो, कोई भी अगर ऐसा क्वेश्चन आया ना जिसमें कहीं भी इकोनॉमी का जिक्र होगा कि कोई भी चीज इकोनॉमी की वजह से हुई है, अमीर गरीब, रिच पुअर, या हैव्स हैव नॉट, बर्जुआ प्रोलेटेरियट, ऐसा कोई भी अगर कीवर्ड आ गया जिससे आपको लगे कि इकोनॉमी हिंट हो रही है, तो आंसर मोस्ट ऑफ द केसेस में कार्ल मार्क्स ही होगा। फिर क्लासिफिकेशन ये छोड़ दो, ये वाली स्लाइड। फिर आगे चलते हैं, मार्क्स ने दिया था कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, तो इन्होंने दो ही कहे थे, हैव्स एंड हैव नॉट्स। फिर वेबर का उन्हें चार क्लासेस दी थी, प्रॉपर्टी, वाइट कॉलर, पेटी बर्जुआ एंड मैनुअल लेबर्स। ये याद रख लेना, मार्क्स वेबर का ही इंपॉर्टेंट है, ये बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर कास्ट एंड क्लास, इसकी डिफरेंसेस देख लेना एक बारी, क्योंकि कई बारी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए होते हैं, फिर कहा होगा कि कास्ट का है क्लास का है। पर्टिकुलर होता है कास्ट सिस्टम क्योंकि यूनिक है टू इंडिया, ये मैंने आपको कहा। क्लास यूनिवर्सल है, ये एस्क्राइब अचीव्ड है, ये भी मैंने आपको बताया। क्लोज ओपन है, ये भी बताया। कास्ट का डिवाइन ओरिजिन है, ये बेसिकली कहा जाता है कि लॉर्ड ब्रह्मा जो थे उन्होंने खुद को ब्लास्ट किया था, और उनके जो सर से निकले थे वो ब्राह्मण्स थे, एंड उनके जो शोल्डर्स से निकले वो क्षेत्रियास शोल्डर्स, ब्राह्मण्स हेड। वो जो वेश्यास हैं या वेशवास जिनको बोलते हैं, वो निकले उनके थाइज से, या आपके बिजनेस वाले लोग हो गए, मर्चेंट्स जो थे पुराने जमाने के। एंड शूद्रास जो है, इसका ये लो कास्ट है, और इस कास्ट का काम, सो कॉल्ड लो कास्ट, और काम क्या है, अपर जो अपर कास्ट है उनको सर्व करना। ये रिलीजियस सैंक्शन है कास्ट सिस्टम को। कहाँ से निकले, फीट से। तो क्या मतलब था, जो शूद्र है वो अपर थ्री कास्ट को सर्व करेगी। तो जो कास्ट सिस्टम को डिवाइन ऑरिजिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि रिलीजन ने इसको सैंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। एंड ये मेंशन कहाँ पे है ये भी लिख लो, मैं पहले इसको इरेज कर लेती हूँ। ये मेंशन है पुरुषुक्ता हिम, इन 10th मंडला ऑफ ऋग्वेदा, 10th मंडला ऑफ ऋग्वेद, ठीक है। तो ये हो गया प्योरिटी इम्प्योरिटी का कॉन्सेप्ट, आपको कास्ट सिस्टम में देखने को मिलेगा। हाई कास्ट प्योर होगी, लो कास्ट इम्प्योर होगी, इसमें वो नहीं होता है। रेगुलेशन ऑफ रिलेशंस होती है, इसमें जो रिलेशंस है वो कम होती हैं, ठीक है, कॉन्टैक्ट कम रखती है, एंड वो दूसरे के जो डेली टास्क है उनको रेगुलेट नहीं करती। लेकिन रेगुलेशन ऑफ रिलेशन कास्ट सिस्टम में होता है, जैसे शूद्र एक पर्टिकुलर टाइप का काम करेगा, उसका पर्टिकुलर रोल है, ठीक है, या ब्राह्मण जो है उनका पर्टिकुलर रोल है, वो सारी बातें कास्ट सिस्टम में आती है। ग्रेटर सोशल डिस्टेंस है कि काफी ज्यादा
जो ब्राह्मण है खुद को ऊपर समझेंगे, शूद्रास जो है काफी ज्यादा लो कंसिडर किए जाएंगे, इसमें लेस सोशल डिस्टेंस है, ठीक है। अगर कहीं रेस्टोरेंट वगैरह में जाएंगे, अभी भी मॉडर्न 21वीं सदी में भी एक ब्राह्मण एक शूद्र को देख के थोड़ा ये हो सकता है कि शूद्र यहाँ पे कैसे आ गया, लेकिन क्लास डिफरेंस इतना जो है वो समझ में नहीं आती एंड उस पर ज्यादा लोग रिएक्ट भी नहीं करते हैं। तो ये कंजर्वेटिव है, ये प्रोग्रेसिव है, ये मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कंजर्वेटिव क्यों है, ये प्रोग्रेसिव क्यों है, ठीक है। एंडोगेमस, एंडोगेमस ग्रुप्स कौन से होते हैं, दैट मीन जो कास्ट एंडोगेमी यूजली इंडिया में देखने को मिलती है, जो अपने विद इन द ग्रुप शादी करते हैं, ये नॉट एंडोगेमस क्लास सिस्टम में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अरोराज होंगे, वो चाहेंगे वो अरोराज में ही शादी करें, ठीक है, ये हो गया विद इन द कास्ट। अगर आउटसाइड कास्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोगैमस। तो इंडिया में क्या देखने को मिलता है, कास्ट एंडोगैमी एंड विलेज एक्सोगैमी। ये कॉम्प्लेक्स है क्योंकि काफी ज्यादा कास्ट हैं एंड ये कास्ट हैं उनकी सब कास्ट हैं, ये सिंपल है यूजुअली अगर अलग अलग टाइप के हों भी, लेकिन एक ब्रॉड फ्रेमवर्क के अंदर हम ज्यादा अपर मिडिल एंड लोअर क्लास को ही ऐसे डिस्टिंग्विश करते हैं। कास्ट कॉन्शियसनेस भी होती है लोगों में एंड क्लास कॉन्शियसनेस भी होती है। जो कास्ट कॉन्शियसनेस है वो डेंजरस है टू डेमोक्रेसी, क्लास कॉन्शियसनेस जो है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है डेमोक्रेसी पे, ठीक है, क्योंकि डेमोक्रेसी में आप क्या होता है यूजुअली सारे एक साथ ही रहते हैं एंड पब्लिकली अपनी जो बात है वो बता सकेंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए। लेकिन जब कास्ट कॉन्शियसनेस आ जाएगी तो हाई कास्ट जो है या सो कॉल्ड हाई कास्ट जो है वो लोअर कास्ट पे रेस्ट्रिक्शंस भी पुट कर सकते हैं कि वो सेम वेल से पानी नहीं पी सकते, सेम सड़कों पे नहीं चल सकते, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है डेंजरस होता है टू डेमोक्रेसी। तो ये हो गया कंप्लीट आपका स्ट्रेटिफिकेशन भी। फोकवेज, मोर्स, नॉर्म्स एंड वैल्यूज देखते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें हैं वो डिस्कस करेंगे। देखो बेसिकली ये पहले देख लो सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, जैसे फैमिली, मैरिज, किनशिप, लॉ, पॉलिटी, रिलीजन, ये सारे आपके सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है। भी इंस्टीट्यूशंस होता क्या है, ये कंपोनेंट्स होते हैं सोसाइटी के जो हेल्प करते हैं मेंटेन करने के लिए ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी थ्रू स्ट्रक्चरिंग ह्यूमन इंटरेक्शन एंड एक्टिविटी, ठीक है। आपके जो रिलीजन है या फैमिली मान लो बेसिक इंस्टीट्यूशन ऑफ सोसाइटी, वो फैसिलिटेट करता है इंटरेक्शन एंड एक्टिविटीज, फैमिलीज में काफी ज्यादा होती हैं, फाइन। एंड फैमिली क्या करती है सोसाइटी में, ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी मेंटेन करती है। अगर फैमिली ही नहीं हो, किसी को पता ही नहीं हो किसी किसका पति कौन है, किसका बच्चा है, फैमिली है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, एंड पूरी सोसाइटी का अगर यही हाल है तो क्या एक केओस मच जाएगा एंड सोसाइटी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो ये आपका इंस्टीट्यूशन होता है, बेसिक डिफरेंस। एसोसिएशन इंस्टीट्यूशन आप छोड़ सकते हो। फोकवेज, फोकवेज क्या होता है, फोकवेज टर्म इंट्रोड्यूस किया था ग्राहम विलियम समनर ने, विलियम ग्राहम समनर ने, ठीक है, अपनी बुक में जिसका नाम था फोकवेज। तो फोकवेज होता क्या है, फोकवेज होता है वेज ऑफ द फोक, अगर आप इसको लिटरल इसका ट्रांसलेट करो, ट्रांसलेशन करो, तो वेज ऑफ द फोक तो मतलब वो तरीका नॉर्मल जो आउट ऑफ हैबिट लोग करते हैं, हैबिचुअल वे या एक्सेप्टेड वेज ऑफ बिहेवियर। दिस टर्म इज ऑफन ब्रॉडली इसको इंटरचेंजेबली यूज करते हैं कस्टम्स, कन्वेंशंस, यूसेज, एटिकेट्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल किसी को गुड मॉर्निंग विश करना, ठीक है, तो ये आउट ऑफ हैबिट जो फॉर्म होता है ना जनरल लोगों का, जो तरीका होता है, तौर तरीका जो आपका होता है, जिसको उर्दू में हम तौर तरीका बोलते हैं, दैट इज नथिंग बट योर फोक वेज, ठीक है। अब देखो ये जो नॉर्म्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, ये दो चीजों में डिवाइड होते हैं, एक आपके फोक वेज होते हैं, एक आपके मोर्स होते हैं, ठीक है। अब जैसे फोक वेज मैंने आपको क्या कहा, जनरल तौर तरीका, ठीक है, नॉर्म्स के दो पार्ट होते हैं, फोक वेज एंड मोर्स, ठीक। अब ये आप यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो अगर टाइम है आपके पास। फोक वेज आर कस्टमरी नॉर्मल हैबिचुअल वे ऑफ ग्रुप टू मीट सर्टन नीड्स और सॉल्विंग डे टू डे प्रॉब्लम्स, वो आपके फोक वेज हुए, ठीक है। फिर हम चलते हैं मोर्स पे। मोर्स क्या होता है, इट इज यूज टू डिनोट बिहेवियर पैटर्न विच आर नॉट ओनली एक्सेप्टेड बट आर प्रिस्क्राइब, दैट मीन्स इसमें प्रिस्क्रिप्शन, इसमें ये आपको प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये मानने पड़ेंगे मोर्स, ठीक है, यू आर कंपेल्ड टू कन्फॉर्म टू देम, फाइन। तो मोर्स जो है उनमें कुछ एलिमेंट ऑफ मोरालिटी आ जाता है कि मॉरली ये चीज सही है करना कि नहीं, या मॉरली ये चीज गलत है, फाइन। तो जो हमने फोकवेज पढ़ा था उसमें कहीं मोर्स या मॉरल्स की बात नहीं आती है। तो अगर एग्जाम में ऐसा एमसीक्यू बनता है कि मॉरल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में कोई भी कीवर्ड होगा तो वो आंसर मोर्स होगा, एंड हैबिट से रिलेटेड, जनरल यूजेज, कन्वेंशन, कस्टम, ट्रेडिशन से रिलेटेड, वो उसका आंसर क्या होगा, फोकवेज होगा। अब इनमें डिफरेंस कहाँ आती है, देखो कोई एग्जाम्पल ऐसी होगी जो फोकवे भी बन सकता है किसी सिचुएशन में, किसी सिचुएशन में मोर भी बन सकता है, ठीक है। अब डिफरेंस कैसे आप बोलोगे कि कौन सा चीज को अगर आप नहीं मानोगे आपकी पनिशमेंट कितनी स्ट्रांग होगी, ठीक
ठीक है, मोर्स क्योंकि प्रेस्क्राइब्ड है फॉर यू आर कंपेल्ड टू कन्फॉर्म टू मोर्स और मॉरल्स एसोसिएटेड हैं, तो उनमें पनिशमेंट ज्यादा होती है. फोकवेज अगर आप नहीं मानो तो पनिशमेंट हो भी सकती है स्लाइट या नहीं हो सकती है. स्लाइट पनिशमेंट हो सकती है, थोड़ा किसी फॉर्म का आपको रेडिक्यूल किया जाए, सोसाइटी में बोला जाए कि ये इंसान में तमीज नहीं है, ज्यादा से ज्यादा ऐसा आपको बोला जाएगा. लेकिन मोर्स अगर आप नहीं मानोगे तो हो सकता है पनिशमेंट थोड़ी आपकी स्ट्रांग आपको मिले, स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट मिले. तो इनको हम डिफरेंस जो है फोक वेज एंड मोर्स का वो हम बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द सीवियरिटी ऑफ द पनिशमेंट. ठीक है, क्योंकि कोई एग्जाम्पल होगी वो किसी कंडीशन में फोक वे मोर दोनों हो सकती है. तो यहाँ पे ये देख लो. फिर हम मोर्स का फोक वेज का थोड़ा ये कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं. फोक वेज होते हैं वो स्पॉन्टेनियसली अराइज होते हैं आउट ऑफ द फंडामेंटल फैक्ट दैट मैन मस्ट एक्ट इन ऑर्डर टू लिव. ठीक है, जैसे हाथ मिलाना आप स्पॉन्टेनियसली करोगे ना, जैसे हाथ मिलाना, सलाम करना या टिपिंग द हैट. अगर हम किसी इंसान से अग्री करते हैं तो हम हैट ऐसे उठा के अपने सर में रख पे वापस रखते हैं ना, थोड़ा आगे बो करके. तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं हम स्ट्रेंजर्स के साथ भी करते हैं विदाउट एनी प्लानिंग और रैशनल थॉट. स्ट्रेंजर्स को अचानक से बुलाना या कुछ विश कर देना. ठीक है, फोक वेज होते हैं डेवलप होते हैं ग्रुप एक्सपीरियंस से. ये चेंज होते हैं जैसे कल्चर चेंज होता है. फॉर एग्जाम्पल, पहले हम सलाम करते थे फिर हमने हाई बोलना शुरू किया. फोकवेज जो होते हैं दे आर द वीकेस्ट नॉर्म्स. ठीक है, इनको वीकेस्ट नॉर्म्स क्यों बोलते हैं? जैसे मैंने आपको कहा कि अगर हम इनको वायलेट करेंगे भी तो लीस्ट लाइकली टू कैरी एनी सीवियर पनिशमेंट. दे आर नॉट लुक्ड ऑन बाय मोस्ट पीपल एज मॉरल मैटर्स. तो मॉरल हम किसके साथ रिलेट करते हैं? हमेशा मोर्स के साथ. फोकवेज होते हैं दे डिफर फ्रॉम मोर्स इन दैट दे आर लेस सीवियरली सैंक्शन एंड आर नॉट एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स. ठीक है, तो वो एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स नहीं होते एंड दे आर लेस सीवियरली सैंक्शनड. मोर्स के साथ हम यूजुअली एसोसिएट करते हैं एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स लाइक आपका आइडिया ऑफ इक्वालिटी, जस्टिस एंड ऑल. ठीक है, तो मोर्स के साथ रिलेटेड होता है. एंड फोकवेज के साथ आप यूजुअली कंक्रीट फॉर्म में आपको चीज़ें होती है जिससे आपको पता होता है कि ये चीज़ फोकवे है एंड ये चीज़ फोकवे नहीं है. एंड दे आर फोकवेज आर लेस सीवियरली सेंक्शन. ठीक है, जो फोकवेज होते हैं बर्डन सम भी बन सकते हैं क्योंकि जब काफ़ी ज़्यादा इन नंबर होंगे फॉलो करने के लिए तो आप पे बोझ बन जाएंगे. एवरी सोसाइटी हैज सम और मेनी फोकवेज. ठीक है, मोर्स हो गया, इनकी डिफरेंस क्लियर हो गई. एग्जाम्पल देख लो, पॉजिटिव मोर जैसे रिस्पेक्ट करना, एल्डर्स को प्रोटेक्ट करना, चिल्ड्रन वगैरह को. नेगेटिव हो गया, डोंट अपेयर बिफोर पीपल विदाउट ड्रेस, डोंट बी क्रूअल टू वाइफ. ठीक है, क्या चीज़ आपको नहीं करनी है, दैट इज नेगेटिव मोर. एंड पॉजिटिव इज क्या चीज़ आपको करनी है. फिर ये छोड़ दो, डिफरेंस देख लो इनके बीच में क्या है. फोकवेज जो होते हैं ये रिलेटिवली वाइडर है एंड मोर जनरल इन कैरेक्टर है देन मोर्स. ठीक है, एंड जो मोर्स है ये आपको दे इम्प्लाई अ वैल्यू जजमेंट अबाउट द फोकवेज. जैसे मैंने आपको कहा मॉरल वैल्यूज वगैरह हमें किससे एसोसिएट करते हैं? मोर्स से एंड ना कि फोकवेज से. तो किसी फोकवे का मॉरल या इमोरल होना वो आपको मोर्स जो है वो बता सकता है. मोर्स जो है ये रिजिड होते हैं, रिजिड कंपल्सिव एंड रेगुलेटरी देन फोकवेज. ठीक है, क्योंकि मोर्स पनिशमेंट वगैरह उससे रिलेटेड होते हैं. इट इज आउट ऑफ मोर्स एंड नॉट फोकवेज दैट आर प्रोफाउंड कन्विक्शंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग केम. ये भी क्लियर है क्योंकि जो मॉरल्स हैं वो मोर्स से आती हैं. जो फोकवेज होते हैं दे आर लेस डीपली रूटेड इन सोसाइटी क्योंकि वो फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहते हैं सोसाइटी टू सोसाइटी. अलग फोकवे हो सकता है, जैसे किसी सोसाइटी में सलाम ही करनी है, किसी सोसाइटी में हैंडशेक ही करना है. ठीक है, तो ये डिफरेंट हो सकता है. मोर्स जो होते हैं दे आर लेस डीप दे आर डीपली रूटेड इन सोसाइटी. वो काफ़ी ज़्यादा रूटेड होते हैं, दैट मीन्स वो उतनी जल्दी चेंज नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल लाइंग, स्टीलिंग एंड ऑल. ठीक है, ये भी मोर्स है एंड ये जो है जल्दी चेंज नहीं होंगे. ऑलमोस्ट हर सोसाइटी के में स्टैंडर्ड्स माने जाएंगे. फोकवेज में चेंज विद वन सोशल एंड ऑक्यूपेशनल स्टेटस एंड मोर्स जो है वो उस हिसाब में चेंज नहीं होते क्योंकि जैसे लाइंग बुरी बात है, ऑनेस्टी अच्छी बात है. ये आपको हर सोसाइटी में हर स्टेटस में जिस भी स्टेटस को बिलोंग करते हो ये बातें कॉमन रहेंगी. वायलेशन ऑफ मोर्स एंड नॉट फोकवेज इज कंसिडर्ड एज ट्रेसपासिंग इनटू द राइट्स ऑफ अदर्स. ठीक है, तो फोकवे जैसे आप किसी से अगर आप हैंडशेक ना करो, किसी को सलाम ना करो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने वायलेट किया किसी का राइट. लेकिन किसी के घर जाके चोरी करो, ठीक है, या किसी को गलत इन्फॉर्मेशन दो, झूठ बोलो, गॉसिप करो किसी के बारे में, तो इसका मतलब होता है कि आप ट्रेसपास कर रहे हो किसी के राइट्स पे. ठीक है, वायलेट कर रहे हो किसी के राइट्स को. तो ये हो गया. यहाँ पे ये याद रख लो, इवन जो लॉज हैं दे आर ऑफन कॉल्ड एज कोडिफाइड मोर्स. जो जो फाइनली हमारे पास लॉज हैं आज के, उनको आप बोल सकते हो वो कुछ नहीं है बट दे आर बेसिकली मोर्स एंड उनको कोडिफाइड, दैट मीन्स एक रिटन फॉर्म में प्रेजेंट किया गया है. नॉर्म्स जो होते हैं दे आर द फंडामेंटल कंसेप्ट इन सोशल साइंस. नॉर्म्स को हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड्स ऑफ ग्रुप बिहेवियर. ठीक है, जो ग्रुप बिहेवियर का एक स्टैंडर्ड होता है, जो जैसे ग्रुप को बिहेव करना चाहिए, तो वो बेसिकली कौन सा वर्ड होता है उसके लिए? नॉर्म. तो जेनरिक टर्म है, मतलब एक जनरल सा टर्म है जो रिप्रेजेंट करता है फोकवेज, मोर्स, लॉज, कस्टम्स सबको. तो जैसे मैंने आपको कहा था नॉर्म्स के अलग टाइप्स होते हैं, वैसे ही फोकवेज एंड आपका जो मोर्स है वो दोनों किसके टाइप है? नॉर्म्स के ही टाइप है.
ठीक, फिर ग्रुप शेयर्ड एक्सपेक्टेशंस, ये स्टेटमेंट्स जैसे ना छोटी छोटी, ये स्टैंडर्ड्स ऑफ ग्रुप बिहेवियर, ग्रुप शेयर्ड एक्सपेक्टेशंस, ये चीजें याद रखना, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन सीधे ऐसी स्टेटमेंट से ही आ सकता है कि ग्रुप शेयर्ड एक्सपेक्टेशंस क्या है, नॉर्म्स है या वैल्यूज है. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए. फिर आगे कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो, यूनिवर्सल होते हैं कुछ नॉर्म्स, ठीक है, कुछ जो हर सोसाइटी फॉलो करती है. नॉर्म्स आर रिलेटेड टू फैक्चुअल ऑर्डर, दैट मीन्स सोसाइटी में अगर कोई नॉर्म बनता है वो कहीं ना कहीं फैक्ट से भी रिलेटेड होना चाहिए. ऐसा नहीं कि कुछ भी नॉर्म बना दिया कि घर से किसी को बाहर नहीं निकलना, ऐसा कोई नॉर्म बना दिया, वो क्लोज टू रियलिटी होना चाहिए. ठीक है, इनकॉर्पोरेट वैल्यू जजमेंट्स, तो जो आपकी वैल्यूज होती है सोसाइटी के, उसी के अराउंड आपके नॉर्म्स बिल्ट होंगे. दे आर रिलेटेड टू, मतलब अलग सिचुएशंस में अलग नॉर्म्स जो है वो चेंज होते हैं, एंड ग्रुप्स, डिफरेंट ग्रुप के डिफरेंट नॉर्म्स हो सकते हैं. दे आर रिलेटेड टू, अच्छा सेम हो गया. दे आर नॉट ऑलवेज ओबेड बाय ऑल, नॉर्म्स तो बन गए हैं, जरूरी नहीं सारे ओबे करेंगे. दे वैरी विद सैंक्शंस, ठीक है, किसी नॉर्म के लिए स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट होगी, किसी के लिए कम होगी. दे आर नॉर्मली इंटरनलाइज बाय द पीपल, तो नॉर्मली जो लोग हैं उनने इम्बाइब किए होते हैं नॉर्म्स, एंड वो कैसे वो इम्बाइब इंटरनलाइज करते हैं, थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन. तो जो वायलेट करेगा नॉर्म उनको हम क्या बोलते हैं, डिवियंस, जो अपने पाथ से भटक जाता है उसको डिवियंट बोलते हैं. ठीक है, ये भी छोड़ दो. फिर नॉर्म्स वर्सेस मोर्स, जो नॉर्म्स एंड मोर्स हैं दे आर सोशल एक्सपेक्टेशंस. नॉर्म्स जो हैं वो ब्रॉडर रेंजेस ऑफ बिहेवियर आता है नॉर्म्स में, क्योंकि नॉर्म्स में किसका पार्ट आएगा, फोकवेज का पार्ट भी आएगा. ठीक है, फिर वैल्यूज देख लो. वैल्यू क्या होता है, बेसिकली वैल्यू आपको बताता है कि कौन सी चीज अच्छी है या बुरी है, डिजायरेबल है या अनडिजायरेबल है. सिंपली वो एक वो वैल्यू होती है, एंड सी एच पर्सन ने वैल्यूज की ये डेफिनेशन दी हुई है. वैल्यू जो है प्रमोट करते हैं टॉलरेंस, एम्पथी, अंडरस्टैंडिंग वगैरह, ये गाइड करता है हमारा बिहेवियर, यूनिटी बढ़ाता है, कोहेशन, ठीक है, पॉजिटिव बिहेवियर्स को एनकरेज करता है, क्योंकि अच्छी वैल्यूज पे जैसे ऑनेस्टी, बींग ऑनेस्ट, बींग हेल्पफुल, ठीक है, ये सारी चीज़ों को प्रमोट करता है. ये हेल्प करता है टू कोप अप विद चैलेंजेस, फॉर एग्जाम्पल करेज वगैरह हमें प्रोवाइड करेगा, करेजस, ये भी एक वैल्यू है, बींग करेजस. गिवन इट गिव्स लाइफ आर लाइफ मीनिंग, कुछ मीनिंग देता है हमारी लाइफ को, हमें पता होता है कि हमें लाइफ कैसे जीनी चाहिए, हमें ऑनेस्ट रहना है, ठीक है, हमें करेजस होना चाहिए, ब्रेव होना चाहिए, हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए. तो ये लाइफ को एक मीनिंग देता है, इन छोटी छोटी चीज़ों के बगैर जो लाइफ है वो मीनिंगलेस हो जाएगी. नॉर्म्स वर्सेस वैल्यूज देख लेते हैं. नेचर वैल्यूज जो है वो एब्स्ट्रैक्ट होती हैं, क्योंकि जनरल आइडियाज होंगे वैल्यूज में, लेकिन नॉर्म्स कंक्रीट होते हैं, एंड एक्सपेक्टेड एंड ये स्पेसिफिक एक्सपेक्टेड बिहेवियर्स आते हैं नॉर्म्स में. लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, ये एब्स्ट्रैक्शन का हो गया. सब्जेक्टिविटी, वैल्यूज जो है वो सब्जेक्टिव होती है, एंड दे कैन वैरी बिटवीन इंडिविजुअल एंड कल्चर्स, लेकिन नॉर्म्स जो है दे आर मोर स्टैंडर्डाइज विद इन अ पर्टिकुलर सोशल ग्रुप. अब वैल्यूज जो है वो वैरी करती है, फॉर एग्जाम्पल वो सब्जेक्टिव होती है. सब्जेक्टिव मीन्स आपकी अपनी हो सकती है, मेरी अपनी है, ठीक है, मीन्स आप किसी चीज को क्या मीनिंग देते हो वो चीज सब्जेक्टिव होती है. ठीक है, हम अगर एक फ्रेंड सर्कल है, एक फ्रेंड सर्कल में डिफरेंट फ्रेंड्स की डिफरेंट वैल्यूज होती है, क्योंकि किस चीज को क्या वो मीनिंग देंगे वो डिफरेंट होगा. किसी के लिए वैल्यू होती है वो अल्कोहल ड्रिंक वगैरह वो नहीं करता है, दूसरा करेगा, ठीक है, तो वो उसके सब्जेक्टिव है, तो वो उस चीज को क्या मीनिंग देगा वो इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है. इन्फ्लुएंस ऑन द बिहेवियर, वैल्यूज जो है वो इन्फ्लुएंस करता है एटीट्यूड को एंड ओवरऑल आउटलुक ऑन लाइफ को, शेपिंग द वे इंडिविजुअल्स मेक डिसीजन, तो हमारे बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस करेगा. ठीक है, ये हो गया. फिर फैमिली मैरिज किनशिप, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो हम इसमें कुछ ही पढ़ेंगे, छोटी छोटी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए. तो मैरिज के टाइप्स देखते हैं, पॉलीगाइनी, पॉलीएंड्री, मोनोगैमी, ग्रुप मैरिज. पॉलीगाइनी क्या होता है, जिसमें एक मेल होता है एंड मेनी फीमेल्स होती हैं, ठीक है. पॉलीएंड्री इसका उल्टा होता है, एक फीमेल होती है एंड मेनी मेल्स होते हैं. मोनोगैमी में वन वन होता है. ग्रुप फैमिली में ग्रुप ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स होते हैं, इसको हम सीनोगैमी भी बोलते हैं, ग्रुप मैरिजेस को, ठीक है. अब इसके फर्दर डिविजन देखते हैं. पॉलीगाइनी जो है, अभी पॉलीगैमी जो है, मेनी मेल्स मेनी फीमेल्स, ये दो टाइप्स की होती है, पॉलीएंड्री और पॉलीगाइनी. पॉलीएंड्री मैंने आपको कहा मेनी मेल्स एंड वन फीमेल. पॉलीएंड्री फर्दर दो टाइप में डिवाइड होती है, फ्रेटर्नल एंड नॉन फ्रेटर्नल, ठीक है. फ्रेटर्नल हुआ जहाँ जो मेनी मेल्स हैं वो आपस में भाई होंगे, एंड नॉन फ्रेटर्नल होता है जिसमें भाई नहीं होते हैं. सिमिलरली पॉलीगाइनी के भी दो टाइप्स हैं, सरूरल पॉलीगाइनी. सरूरल होता है जहाँ पे जो फीमेल्स हैं, पॉलीगाइनी क्या हुआ, एक मेल एंड मेनी फीमेल्स, ठीक है. तो सरूरल होता है जिसमें वो फीमेल्स जो हैं वो आपस में सिस्टर्स होंगी, जो फ्रेटर्नल का उल्टा है, ठीक है. नॉन सरूरल होता है जिसमें सिस्टर्स नहीं होती हैं, फाइन, वो नॉन फ्रेटर्नल का उल्टा है. तो ये याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एमसीक्यू बनने के चांसेस काफ़ी होते हैं. अब देखो, जो पॉली एंट्री है जिसमें मेनी मेल्स होंगे, उसमें अब फादरहुड का पता कैसे आप कर सकते हो, उसमें टोडाज में एक सेरेमनी होती है, इसको बो एंड एरो सेरेमनी कहते हैं, वो कुछ गेम टाइप की होती है, बो एंड एरो.
उसमें वो फादरहुड का जो इशू है वो रिजॉल्व करते हैं, एंड जो वहां से जो जीतता है उस बो एंड एरो वाली गेम को, तो उसको हम पेटर बोलते हैं, पेटर पेटर, ठीक है, पेटर होता है सोशल फादरहुड, ठीक है। अब जो बायोलॉजिकल फादरहुड होता है उसको क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल फादरहुड को बोलते हैं जेनिटर। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। फिर ये जो ट्राइब्स हैं कुछ वो आप याद कर लोगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ट्राइब्स के भी क्वेश्चंस बनते हैं, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, बस आपको वो याद करना है। मोनोगैमी की ट्राइब्स, ग्रुप मैरिज को हम सिनोगैमी भी बोलते हैं ये। उसके बाद मैरिज रेस्ट्रिक्शंस देख लो, एंडोगैमी एक्सोगैमी, एंडोगैमी मैंने आपको भी कहा कास्ट एंडोगैमी होती है इंडिया में, दैट मीन्स विद इन योर ओन कास्ट शादी करना। एंड एक्सोगैमी कौन सी ऑब्जर्व होती है इंडिया में, विलेज एक्सोगैमी, दैट मीन्स आउटसाइड योर विलेज, क्योंकि एक विलेज में जितने लोग रहते हैं दे आर कंसिडर्ड कि वो आपस में रिलेटिव्स हैं, इसीलिए वो शादी नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक्सोगैमी के कौन से फॉर्म्स हैं इंडिया में, गोत्र एक्सोगैमी। गोत्र एक्सोगैमी क्या होता है, गोत्र बेसिकली क्या होता है, लीनेज ट्रेस करना, जब हम लीनेज ट्रेस करते हैं किसी नोन एंसेस्टर से, ठीक है, अपनी लीनेज किसी नोन एंसेस्टर से ट्रेस करते हैं, तो वो लोग जो सेम एंसेस्टर से अपनी लीनेज को ट्रेस करते होंगे वो शादी नहीं कर सकते हैं। प्रवारा एक्सोगैमी होता है वो जो सेम सेंट में बिलीव करते हैं वो भी शादी नहीं कर सकते। विलेज एक्सोगैमी होता है कि आप अपने विलेज में शादी नहीं कर सकते, नागा गारो मुंडाज में फॉलो होता है। पिंडा एक्सोगैमी होता है, इसको बेसिकली सेम पिंडा, पिंडा मीन्स ऑफ द सेम बॉडी, ठीक है, जो सेम अपिंडा के होते हैं दैट मीन उनको सपिंदा बोलते हैं, वो शादी नहीं कर सकते। अब इसमें दो चीज़ें हैं, ये एक ने दरअसल क्वेश्चन पूछा था मुझसे, तो अगर आई होप अगर वो वीडियो देख रहे हो तो उनको भी क्लियर हो जाए। ये जो बृहस्पति है हिंदू गॉड, इन्होंने बोला था सपिंदा होता है 5 मेटर्नल जनरेशन एंड 7 पेटर्नल, 5 जनरेशन फ्रॉम मदर साइड एंड 7 फ्रॉम फादर साइड, ठीक है। ये किसने कहा था, बृहस्पति गॉड ने, ठीक है, हिंदू गॉड ने। लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट जो है उसका आएगा सेक्शन 3, ठीक है, उस एक्ट के अकॉर्डिंग सपिंदा होता है 3 जनरेशन फ्रॉम मदर साइड एंड 5 जनरेशन फ्रॉम फादर साइड, ठीक है। तो अब डिपेंड करता है क्वेश्चन में, अगर कुछ भी नहीं लिखा होगा कि बृहस्पति है या हिंदू मैरिज एक्ट है, तो यू विल गो विद हिंदू मैरिज एक्ट, ठीक है। अगर स्पेसिफिकली मेंशन होगा तो आपको पता है ये सारे वो ग्रुप्स हैं जो आपस में शादी नहीं कर सकते, ये आएगा किसका कैटेगराइजेशन है, ये एक्सोगैमी का, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। मैरिजेस इन इंडिया, इसमें मेन आप ये याद रखोगे जो हिंदू मैरिज है ये रिलीजियस ड्यूटी है एंड इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, ये सेक्रेट ड्यूटी या सेक्रमेंट माना जाता है, वेयर एज जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कौन सी मैरिजेस है, मुस्लिम मैरिज, ठीक है, मुस्लिम मैरिज। एम्स ऑफ मैरिज में ये याद रखो इतना, धर्म प्रजा एंड रति, ठीक है। तो हिंदू जो मैरिजेस हैं उसके 3 एम्स होते हैं, धर्म रजा राज प्रजा एंड रति। धर्म मीन्स एक रिलीजियस ऑब्लिगेशन होती है उनपे, प्रजा मीन्स प्रोक्रिएशन अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए, एंड थर्ड इंपॉर्टेंस किसको मिलती है, बॉडीली प्लेजर्स को। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा होता है एम जिसकी वजह से हिंदूज में शादी होती है, दैट इज योर धर्म, वो इसको एक रिलीजियस ड्यूटी मानते हैं। फिर आगे चलो आगे चलो, अच्छा कुछ ये देखो, टाइप्स या चेंज इन द फॉर्म ऑफ मैरिज, जो ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ हिंदू मैरिजेस हैं वो कौन कौन सी थी। ब्रह्मा, ब्रह्मा होता है नॉर्मल मैरिज जैसे होती है, फादर कन्यादान करेगा, ठीक है, लड़के वाले रिश्ता लेके जाएंगे, बिल्कुल रीति रिवाज से जो शादी होती है, अप्रूव्ड फॉर्म की शादी है। देवा होता है जिसमें लड़के का, जो लड़की का फादर होता है वो अपनी बेटी को सैक्रिफाइस करता है किसी प्रीस्ट को। अर्शा होता है मैरिज जिसमें लड़की को 2 काउस या 2 बुल्स दिए जाते हैं, ठीक है, मैरिज में। प्रजापतिया होता है जिसमें ये ब्रह्मा ही है, ब्रह्मा टाइप का उल्टा है, इसमें क्या होता है लड़की वाले जो है वो जाते हैं हाथ मांगने लड़के का, फाइन, एंड इसमें कन्यादान नहीं होता है, तो ये ब्रह्म से थोड़ा इंफीरियर कंसिडर किया जाता है। असुरा होता है मैरिज बाय परचेज जिसमें खरीदा जाता है दूल्हे को। गंधर्व विवाह होता है लव मैरिजेस। राक्षसा होता है वो मैरिज जिसमें काफी ज्यादा किलिंग हुई हो, किडनैपिंग हुई हो, अबडक्शन करके शादी की हुई हो। पैसाचा होता है जिसमें लड़की को एक इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में होगी लड़की, और उस स्टेट में उसे शादी या सेक्सुअल रिलेशनशिप को डेवलप करने की कोशिश करे, तो दैट इज पैसाचा, ठीक है। तो ये फॉर्म्स भी याद रख लेना, ये इन लेजिस्लेशन के ईयर्स याद रख लेना, कौन सा लेजिस्लेशन किस ईयर में आया था। हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट विडो रिमैरिज को परमिट करने के लिए था। स्पेशल मैरिज एक्ट जो था वो इंटरफेथ के लिए था, ठीक है। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट जो है ये चाइल्ड मैरिज के रिलेटेड है, तो 1928 में इसको शारदा एक्ट बोला जाता था, 1929 में, सॉरी, शारदा एक्ट बोला जाता था। तब फीमेल्स की एज क्या रखी थी, 18, मेल्स की एज थी 18 एंड फीमेल्स की 14, ठीक है।
बाद में 1978 में इसको चेंज करके 21 की थी इन्होंने, मेल की एंड फीमेल की 18। हिंदू मैरिज एक्ट है जिसमें पॉलीगैमी को प्रोहिबिट किया गया था, एंड डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट कब आया था 1961 में। तो इसमें क्या करोगे आप, इनके जो ईयर्स हैं वो याद रखोगे। सरोगेट मैरिज कौन सी मैरिज होती है, ऐसे मैंने कहा था आपको याद रख लेना, ऐसे हो गया साली। तो सरोगेट मैरिज में होती है जीजा साली की शादी, ठीक है। अगर किसी हस्बैंड की उनकी जो वाइफ होती है या वो इनफर्टाइल प्रूव होती है, ठीक है, या उनकी डेथ हो जाती है, उसके बाद हस्बैंड क्या करता है, अपनी साली से शादी करता है। तो लेवरेट इसका उल्टा होगा साली का। तो इसमें जो वाइफ होती है उसके हस्बैंड की डेथ के बाद अपने हस्बैंड के भाई जेठ से शादी करती है, ठीक, ये याद रख लो। फिर अनुलोमा प्रतिलोमा इंपॉर्टेंट है। अनुलोमा होता है हाइपरगैमी एंड प्रतिलोमा इज हाइपोगैमी। हाइपर मीन ज्यादा होता है ना, हाइपर हो जाते हैं, हाइपरटेंशन, ठीक है, वो सारी चीजें। तो इसमें ज्यादा याद रख लो, ज्यादा क्या होता है इसमें, लड़के की कास्ट। तो जो इसमें बॉय होगा वो हाई कास्ट का होगा, एंड जो गर्ल होती है वो लो कास्ट की होती है, ठीक है। एंड हाइपोगैमी फिर इसका उल्टा है, प्रतिलोमा इसको बोलते हैं। प्रतिलोमा याद रख लो, प्रति से याद रख लो पति, पति इसमें लो कास्ट का होता है, तो ये क्या होगा, हाइपोगैमी, ठीक है, हाइपोगैमी। ठीक, आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। प्रेफरेंशियल मैरिजेस, इनको पॉजिटिव रूल्स ऑफ मैरिज बोलते हैं, दैट मीन्स किन में शादी हो सकती है। नेगेटिव रूल्स को प्रिस्क्रिप्टिव बोलते हैं, किन में शादी नहीं हो सकती है। तो पॉजिटिव रूल्स में क्रॉस कजन मैरिज है, इंडिया में कहाँ अलाउड होती है, साउथ इंडिया में, एंड पैरेलल कजन मैरिजेस जो है ये कहाँ पे होती है, मुस्लिम्स में। तो मुस्लिम्स में बेसिकली क्रॉस एंड पैरेलल दोनों होती हैं, लेकिन साउथ में सिर्फ क्रॉस होती है, मुस्लिम्स बोथ, ठीक है। तो पैरेलल कजन मैरिज क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें एक कीवर्ड की याद रख लो, की कॉन्सेप्ट, कि इसमें हम जेंडर देखते हैं पेरेंट्स का, पेरेंट्स के सिबलिंग्स का, ठीक है। तो पैरेलल कजन में क्या होगा, जो आपके पेरेंट है अगर वो फादर हैं, ठीक है, फादर का जो सिबलिंग है सेम जेंडर का, वो कौन है, आपका अंकल। तो अगर शादी होती है अंकल के बेटे के साथ आपकी, मतलब किसी की भी अंकल के सन के साथ, तो वो पैरेलल कजन मैरिज हुआ, ठीक है। या अगर शादी होती है, ये मदर है, मदर का सेम जेंडर सिबलिंग कौन हो गया, मदर की सिस्टर, दैट मींस मदर की अगर सिस्टर आपकी मासी के बेटे के साथ किसी की शादी होती है, दैट इज पैरेलल कजन मैरिज, ठीक। क्रॉस कजन क्या होता है, इसमें जो जेंडर होता है पेरेंट्स के सिबलिंग्स का, वो ऑपोजिट होता है, ठीक है। तो अगर किसी के फादर है, फादर का ऑपोजिट जेंडर का सिबलिंग कौन हो गया, फादर की सिस्टर, दैट मींस बुआ, ठीक है। तो अगर बुआ के बेटे के साथ किसी की शादी होती है, दैट इज क्रॉस कजन मैरिज। या अगर मदर का देख लेते हैं, मदर का जो सिबलिंग है ऑपोजिट जेंडर का सिबलिंग, मदर का कौन सा हुआ, मदर का ब्रदर, दैट मीन्स मामू। तो मामू के बेटे के साथ अगर शादी होती है, वो क्रॉस कजन मैरिज है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ये याद रख लो। फिर मेट अमंग, मेट सिलेक्शन अमंग ट्राइबल्स, इनमें कैसे मेट सिलेक्शन होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लो। ब्राइड प्राइस कौन पे करते हैं, इनमें आपको क्या याद रखना होगा, होज एंड नागास। तो कौन सी ट्राइब में क्या फॉलो होता है वो देख लेना, ठीक है। यूथ डॉमेट्रीज होती है, वो डॉमेट्रीज जैसी बनी होती है, वहां पे शादी से पहले ही कपल साथ में रहते हैं, फिर अगर उनको लगेगा ठीक है तो वो कंटिन्यू करते हैं आगे, नहीं तो छोड़ देते हैं, ठीक है। एंड सिलेक्शन बाय कैप्चर कहाँ पे होता है, नागास में, होज में, बिल्ज में एंड गोंड्स में, ठीक है। सिलेक्शन बाय ट्रायल कौन करते हैं, यंग, ये बिल्स में होता है, ठीक है। यंग बिल को अपना ताकत दिखानी होती है बिफोर ही कैन क्लेम द हैंड ऑफ एनी गर्ल, एंड ये थ्रू डांस गेम होता है। एंड जो कैप्चर होता है, या फिजिकली कैप्चर करते हैं या एक सेरेमनी टाइप की परफॉर्म करते हैं, सेरेमोनियल कैप्चर भी उसको बोला जाता है, तो ये याद रख लेना। मुस्लिम मैरिज, देखो ये भी काफी लंबा टॉपिक है, लेकिन आपको मेन मेन चीजें बताऊंगी इसमें क्या याद रखनी है, कि मुस्लिम मैरिज जो है कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो दो पार्टीज के बीच में डिसाइड होता है, एंड इसको क्या बोलते हैं, इसको निकाह बोलते हैं। ये एक रिलीजियस सेक्रमेंट नहीं है, लेकिन एक सेक्युलर बॉन्ड कंसिडर होता है, ठीक। इसमें दो चीजें होती है, इजाब एंड कबूल, ठीक है। इजाब होता है जो प्रपोजल होगा लड़के का, एंड कबूल जो होता है एक्सेप्टेंस होती है, जो दोनों को कबूल कबूल करना होता है, वो 3 बार बोलते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ 2 विटनेसेस एंड ए मौलवी और काजी। और देख लो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, हम सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे। मुस्लिम्स में मैरिज किन के साथ नहीं हो सकती है, मुस्लिम्स में पॉलीगैमी अलाउड है, लेकिन सिर्फ मेल को, फीमेल्स को नहीं है। वुमेन जो होती है वो तब तक दूसरी शादी नहीं कर सकती जब तक पहले हस्बैंड की डेथ वगैरह या डिवोर्स ना हो जाए, ठीक है। एंड इसमें जो पॉलीगैमी मेल्स को अलाउड है, उसमें एक चीज याद रखना, हमने पॉलीगाइनी मेल्स को अलाउड है, सॉरी, पॉलीगाइनी होता है मेनी फीमेल्स, ठीक है।
तो हमने पढ़ा था सरूरल पॉलीगाइनी, नॉन सरूरल पॉलीगाइनी. सरूरल पॉलीगाइनी में क्या होता है, वाइफ सिस्टर्स होती हैं, तो मेल्स में इसमें जो पॉलीगाइनी वो करते हैं वो नॉन सरूरल होनी चाहिए. दैट मीन्स एट ए टाइम अगर किसी की 2, 3 और 4 वाइफ तक अलाउड है, ठीक है. अगर एट ए टाइम किसी की 2, 3 या 4 बीवियां हैं वो आपस में सिस्टर्स नहीं होनी चाहिए. तो जो को वाइफ है एक मेल की वो सिस्टर्स नहीं होनी चाहिए. जो वाइफ की सिस्टर है उनके साथ उसी कंडीशन में शादी होगी अगर वाइफ की डेथ हो जाए, ठीक है. और किन में शादी नहीं कर सकते हैं, क्लोज रिलेटिव्स में. वो कौन से क्लोज रिलेटिव्स हैं, यहाँ देख लो, मदर, मदर्स मदर, सिस्टर, सिस्टर्स डॉटर, मदर, सिस्टर, फादर, सिस्टर डॉटर, वाइफ्स मदर, वाइफ्स डॉटर, बॉर्न टू द फर्स्ट हस्बैंड या सन्स वाइफ इज नॉट अलाउड. ये क्लोज रिलेशन में शादी नहीं हो सकती. जो आइडलेटर, जो आइडल वर्शिप करते हैं उनके साथ शादी अलाउड नहीं होती है, ठीक है. एंड अगर मैरिज विद द पीपल ऑफ प्रीमेच्योर एज और अनसाउंड माइंड भी जो है वो इनवैलिड है, सिस्टर्स बिकमिंग को वाइफ्स इज नॉट अलाउड. एंड जो वुमेन है वो अपने इद्दत के टाइम पे शादी नहीं कर सकती. दैट मीन्स उनको 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स तक वेट करना पड़ता है इन केस ऑफ डिवोर्स और डेथ ऑफ द प्रीवियस हस्बैंड, ठीक है. तो डिफरेंस बिटवीन, अब यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट और आ जाते हैं, फासिद और बातिल. वो क्या होता है, जो मुस्लिम से वो डिस्टिंग्विश करते हैं बिटवीन 2 टाइप्स ऑफ अनएक्सेप्टेबल मैरिजेस, ठीक है. जो इरेगुलर मैरिजेस या इनवैलिड मैरिजेस होती हैं उनको हम फासिद और बातिल बोलते हैं. फासिद मैरिज होता है जिसको हम बाद में सही मैरिज और वैलिड मैरिज में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको फासिद बोलते हैं, एंड जिसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं उसको हम बातिल बोलते हैं, ठीक है. फासिद की अब क्या एग्जाम्पल्स है, अगर विटनेस प्रेजेंट नहीं होगा, 5th शादी कर ली, मैरिज विद वुमेन अंडरगोइंग इद्दत, इन इरेगुलरिटीज को हम करेक्ट कर सकते हैं. बातिल हो गया अगर क्लोज रिलेटिव्स में शादी हो गई एंड आइडलेटर के साथ किसी ने शादी कर ली जो आइडल वर्शिप करता है, ठीक है. या मुस्लिम मैन मैरिंग 2 और 3 वुमेन हु आर सिस्टर्स, को वाइफ जो है वो आपस में सिस्टर्स हैं वो शादी कर ली, तो ये शादी जो है वो इनवैलिड होती है, बातिल. दैट मीन इनको हम करेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है. एंड डाउर किसको बोलते हैं मुस्लिम मैरिजेस में, मेहर को बोलते हैं, जो हस्बैंड किसको पे करते हैं शादी के टाइम पे, वाइफ को. उसके बाद ये देख लो, मुस्लिम मैरिजेस जो है विच इज ट्रीटेड एज अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिजोल्व इन फॉलोइंग वेज. तो किस तरीके से मुस्लिम मैरिज डिजोल्व होती है, ये जो डिवोर्स होगा या तो वो मुस्लिम लॉ के तहत होता है लेकिन उसमें कोर्ट इंटरवेंशन नहीं होगी. डिवोर्स हो सकता है एज पर शरिया एक्ट 1937, ठीक है. डिवोर्स हो सकता है एज पर द मुस्लिम मैरिज डिसोल्यूशन एक्ट 1959, लेकिन इसमें कोर्ट की इंटरवेंशन होती है, ठीक. अब डिवोर्स देख लो, एज पर मुस्लिम लॉ एक होता है डिवोर्स, जिसमें डिवोर्स को खुला मुबारक या तलाक बोलते हैं, ठीक है. खुला होता है अगर जो वाइफ है वो इनिशिएट करेगी डिवोर्स, एंड मुबारक होता है जो म्यूचुअल कंसेंट से होता है, ठीक है. ये हो गया खुला मुबारक एंड तलाक. तलाक देखते हैं, तलाक के बाद में कुछ टाइप्स हैं. तलाक रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द वेज अकॉर्डिंग टू विच मुस्लिम हस्बैंड है वो डिवोर्स कर सकते हैं अपनी वाइफ को एज पर द मुस्लिम लॉ विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, ठीक है. तो विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट कैसे तलाक हो सकता है, दिस इन्वॉल्व अ सिंगल प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक फॉलोड बाई पीरियड ऑफ कंजुगल एग्जिस्टेंस टिल द कम्प्लीशन ऑफ इद्दत. इद्दत तक कोई सेक्शुअल रिलेशनशिप नहीं होगा हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो दैट इज तलाक ए एहसन, ठीक है. एंड सिंगल प्रोनाउंसमेंट करेंगे इसमें हस्बैंड तलाक की. तलाक ए हसन होता है जिसमें 3 प्रोनाउंसमेंट्स होती हैं तलाक की, मेड ड्यूरिंग 3 सक्सेसिव मेंस्ट्रुअल साइकल्स, ठीक है. एंड नो सेक्शुअल कॉन्टैक्ट हैज टेकन प्लेस बिटवीन द स्पाउसेस ड्यूरिंग दीज मंथ्स. वो तलाक ए हसन हुआ. तलाक ए बिदत क्या होता है, तलाक ए बिदत होता है सिंगल सेंटेंस में बोल दिया आई डिवोर्स जो भी जिसको डिवोर्स करना होगा थ्राइस, या 3 सेपरेट सेंटेंसेस में बोल दिया उनके लिए तलाक तलाक तलाक, ठीक है. या इन ए सिंगल बट क्लियर प्रोनाउंसमेंट कि मैं इनको डिवोर्स करता हूँ इरिवोकेबली, मतलब जो दोबारा उसको रिवोक नहीं कर सकते हैं उन डिवोर्स को, ये तलाकुल बिद्दत इसको बोला जाता है, ठीक है. जो ट्रिपल तलाक बिल आई थी, ट्रिपल तलाक बिल, तो वो इसी केस को लेके आई थी, तलाकुल बिद्दत को ही लेके आई थी, ठीक है. तो डिवोर्स अगर शरिया एक्ट के अकॉर्डिंग होगा वो कैसे होता है, इल्ला जहर एंड लियान उसको बोलते हैं. इल्ला होता है अगर हस्बैंड स्वर करेगा बाय गॉड टू एब्सटेन फ्रॉम सेक्शुअल रिलेशनशिप विद वाइफ किसी एक पीरियड ऑफ 4 मंथ्स और मोर के लिए या कोई स्पेसिफाइड पीरियड, ठीक है. ही इज सेड टू मेक इल्ला, ठीक है. और अगर वो एक्चुअली में वो परफॉर्म भी करे देन द मैरिज गेट्स डिसॉल्व. जहर होता है इन दिस टाइप द हस्बैंड ऑफ साउंड माइंड क्या करता है, वो डिक्लेयर करता है इन प्रेजेंस ऑफ 2 विटनेसेस कि उसकी जो वाइफ है उसकी माँ की तरह है, तो ये भी एक ये बन जाता है डिवोर्स का तरीका. लियान होता है जिसमें हस्बैंड क्या करता है, वाइफ को अक्यूज करता है गिल्टी ऑफ एडल्ट्री, लेकिन उनको बाद में कोर्ट में प्रूव करना होता है, ठीक है. तो डिवोर्स एज पर द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939,
तो क्या क्या किस तरीके से वो डिवोर्स हो सकता है, अगर वेयर अबाउट हस्बैंड के नहीं पता होंगे फॉर 4 ईयर्स, अगर हस्बैंड जो है कोई मेंटेनेंस नहीं देगा फॉर 2 ईयर्स, इम्प्रिजनमेंट अगर होगी हस्बैंड की फॉर 7 और मोर, इम्पोर्टेंट है हस्बैंड या फेलियर ऑफ हस्बैंड टू फ्यूचर टू फुलफिल म्यूचुअल ऑब्लिगेशन फॉर 3 ईयर्स, इनसैनिटी ऑफ हस्बैंड फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, एंड जो हस्बैंड है उनकी कोई इनक्यूरेबल डिजीज हो गई है मेंटल एंड फिजिकल क्रूलिटी के लिए भी, या अगर 15 ईयर्स की वो नहीं हुई है. तो एज पर शरिया एक्ट 1937 इन बेसिस पे और एज पर डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 इन बेसिस पे डिवोर्स हो जाता है. अब जो ट्रिपल तलाक बिल है वो मैंने कहा आपको वो किसके लिए आई थी, जो तलाक ए बिदत है उसके लिए. तो उसमें क्या चीजें बोली गई थी, ट्रिपल तलाक मेक्स द डिक्लेरेशन ऑफ तलाक ए बिदत इन स्पोकन रिटन और थ्रू SMS, व्हाट्सएप वगैरह या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चैट, उससे वो इलीगल हो जाता है. तलाक ए बिदत रेफर्स टू द प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक 3 टाइम्स बाय मुस्लिम मैन इन वन सिटिंग टू हिज वाइफ, रिजल्टिंग इन एन इंस्टेंट एंड इरिवोकेबल डिवोर्स. ठीक है, एंड जो ट्रिपल तलाक है ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस बन गया है, दैट मीन्स विदाउट एनी वारंट अप उनको अरेस्ट, विदाउट एनी मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर उस पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता है, एंड इन्वेस्टिगेशन भी पुलिस ऑफिशियल अपनी मर्जी से इनिशिएट कर सकता है. ठीक, ये याद रख लेना. उसके बाद हम आगे चलते हैं फैमिली में. देखो क्या क्या याद रख लो, वर्ड फैमिली जो है लैटिन वर्ड फैमिलस से निकली है, उसका मतलब होता है सर्वेंट. ये छोड़ दो, ये भी जनरल है, ये भी चांसेस कम होते हैं. प्राइमरी फंक्शंस ऑफ फैमिली देखो क्या क्या होते हैं, स्टेबल सेटिस्फेक्शन ऑफ सेक्शुअल नीड्स की, रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन रियरिंग ऑफ चाइल्ड की, प्रोविजन ऑफ होम, स्टेटस एस्क्राइबिंग फंक्शन, आपको स्टेटस आपकी फैमिली से मिलता है, या कोई इंस्ट्रूमेंट है कल्चरल ट्रांसमिशन का. तो काफी जेनरिक सी स्टेटमेंट्स हैं. ठीक है, ये यू विल बी एबल टू आंसर दिस. ये हो गया थियोरीज, ये भी छोड़ दो आप. पेट्रियार्की ये हमने कर लिया था. ये याद रख लेना, सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल फैमिली किसने कहा था, माइकल यंग ने एंड पीटर विलमॉट ने. ये नाम बस याद रख लो, मॉर्गन्स थियरी ऑफ ओरिजिनल फैमिली में उन्हें कौन कौन से नाम बोले थे, ये मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया है, आप बस नाम याद रख लो यहाँ पे. ये कुछ बुक्स हैं जो लिखी हैं फैमिली को लेकर. टेलकॉट पार्सन ने प्राइमरी सोशलाइजेशन एडल्ट स्टेबिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया था. प्राइमरी सोशलाइजेशन बेसिकली क्या होता है, जिसमें आप वैल्यूज वगैरह पिक करते हो अपनी फैमिलीज की, आपको फैमिली क्या करती है सोसाइटी में का एक अच्छा मेंबर बनाने के लिए आपको अच्छी चीजें सिखाती है ना, सोशलाइजेशन करती है आपकी. जैसे कोई बड़ा आए तो उसको सलाम करना, कोई बड़ा हो तो उनको जगह छोड़ना, ठीक है, उनको बैठने के लिए बोलना, एंड ऑल दैट, वो आपकी प्राइमरी सोशलाइजेशन होती है. फिर एडल्ट स्टेबिलाइजेशन होती है, वो आपकी बाकी इंस्टीट्यूशन से होती है, आपके पेयर ग्रुप से होती है, स्कूल से होती है, स्टेट करता है आपके एडल्ट स्टेबिलाइजेशन. तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, टेलकॉट पार्सन्स ने, उन्हें फैमिली को फंक्शनल कहा था. कुछ थिंकर्स थे जो फैमिली से नाराज थे, उन्होंने फैमिली को डिसफंक्शनल कहा और ऐसी ऐसी बातें करी, कोट्स लिखे थे, इमोशनली डिस्टर्ब चाइल्ड एज द फैमिली स्केपगोट, अ रनअवे वर्ल्ड लिखा था एडमंड लीच ने, आर डी लैंग ने पॉलिटिक्स ऑफ फैमिली लिखी थी, डेविड कूपर ने डेथ ऑफ फैमिली. तो ये भी याद रख लेना. टाइप्स ऑफ फैमिली में देख लो, पॉलीगैमस पॉलीगाइनस फैमिली होगी जो इन मैरिजेस से बनेगी, पॉलीएंड्रस फैमिली होगी जो पॉलीएंड्री से बनेगी, मोनोगैमस फैमिली होगी जो मोनोगैमी से बनेगी. फैमिली ऑफ मेट्रिलोकल रेजिडेंस, मेट्रिलोकल होता है शादी के बाद आप मदर जो लड़की की माँ है उसके घर में आके रहते हैं, इसको अक्सोरिलोकल भी बोला जाता है. फैमिली ऑफ पेट्रिलोकल रेजिडेंस होता है शादी के बाद लड़के के डैड के, जो नॉर्मल शादियाँ नॉर्मल यहाँ पे कल्चर है, लड़के के डैड के घर में रहा जाता है, वेरी लोकल इसको बोलते हैं. ठीक है, फैमिली ऑफ चेंजिंग रेजिडेंस, जो रेजिडेंस चेंज होती रहती है. न्यू लोकल होता है हस्बैंड वाइफ जो होते हैं अपने नए घर में रहते हैं. फाइन, डुओ लोकल होता है, इसमें लड़की अपनी माँ के घर रहता है रहती है, लड़का अपने माँ के घर रहता है. बाय लोकल और एमबी लोकल में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ फैमिली आफ्टर मैरिज जो मैरिड कपल है दे चेंज ए रेजिडेंस ऑल्टरनेटिवली, कभी वाइफ ज्वाइंस इन हर हस्बैंड्स हाउस व्हाइल एट सम अदर टाइम जो हस्बैंड है वो रिजाइड करते हैं वाइफ हाउस में. ठीक है, ऑन द बेस ऑफ एंसेस्ट्री और डिसेंट मैट्रिलिनियर फैमिली होता है जो मदर की लीनेज से ट्रेस होती है. ठीक, पैट्रिलिनियर होता है जो फादर की लीनेज से ट्रेस होती है जो फैमिली, ये आप इसमें देख लो. कंजुगल फैमिलीज होती हैं जो मैरिटल बॉन्ड से बनती है स्पाउसेस के बीच में. कंसंग्विन फैमिली होता है जो आपके ब्लड के रिलेशन से बनती है. ठीक है, फिर न्यूक्लियर फैमिली हमें पता है होता है कि हस्बैंड वाइफ प्लस माइनस चिल्ड्रन. फिर आगे काफी एक्सटेंड और हुई है डेफिनेशन, ये आप स्किप कर सकते हो फॉर टाइम भी. ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो. इम्पोर्टेंट फीचर ये रहने दो. अच्छा, यहाँ पे आप क्या करोगे, जो ये सारी फैमिलीज है ना, एक बारी वीडियो पॉज कर लो और ये सिंपल सिंपल चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है, वो आप देख लो. ठीक है, सिंपल आपको एक एक डेफिनेशन पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कौन क्या कह रहा है.
तो जहां पे भी आप पेट्री देखोगे, अगर आर्कल है दैट मींस जो एल्डेस्ट मेल मेंबर है उनके पास अथॉरिटी है, मेट्री आर्कल है एल्डेस्ट फीमेल मेंबर के पास अथॉरिटी है, ठीक है। यहाँ पे आप ये कर लोगे किस किस ट्राइब में ये होती थी वो देख लेना, ठीक है। एग्जाम्पल, पेट्रियार्कल ज्वाइंट फैमिलीज आर फाउंड अमंग दी नंबूदारीज ऑफ मलाबार, कहाँ पे, केरला में है मलाबार, ठीक है, एंड मुंडाज ऑफ छोटा नागपुर एंड अंगमी नागाज ऑफ आसाम। और जो नंबूदारी ज्वाइंट फैमिली है उनको इलोम बोला जाता है। और जो नायर्स फैमिली है, नायर जो है नायर ऑफ केरला, वो मेट्रियार्कल फैमिलीज है। नायर्स ऑफ मलाबार मेट्रियार्कल, खासीज एंड गारोज लिविंग ऑन गारो हिल्स ऑफ आसाम, ये भी मेट्रियार्कल है। और नायर ज्वाइंट फैमिली को तरवत बोलते हैं, थरवत भी इसको प्रोनाउंस किया जाता है, तरवती। और नंबूदारी ज्वाइंट फैमिली को इलोम, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें, यहाँ से काफी एग्जाम्स में काफी बार क्वेश्चंस आए हैं। किनशिप देखते हैं, किनशिप में हमारी किनशिप क्या होता है, रिश्तेदारी। वो रिश्तेदारी हमारी दो तरीकों से हो सकती है, या तो एफिनल हो गए जो मैरिटल बॉन्ड से बनता है, या कंसेंगुइनल होता है जो किससे बनता है, आपके ब्लड रिलेशनशिप से, ठीक है। जो ब्लड रिलेटिव कजन्स होते हैं हमारे, ब्लड रिलेटेड एंड जो शादी से बनते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी की वाइफ की सिस्टर, वाइफ की सिस्टर के बच्चे, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसमें मेन मेन हमें क्या पढ़ना है, ये स्किप कर लो, ये भी स्किप कर लो। अब अगर पेट्रिलिनियल और मेट्रिलिनियल डिसेंट है ये हमें पता है। डुओलिनियल होता है जब डिसेंट ट्रेस होता है इन बोथ द फादर्स लाइन एज वेल एज द मदर्स लाइन फॉर डिफरेंट एट्रीब्यूट सच एज, कुछ चीजें जो होंगी वो हम फादर से ट्रेस करेंगे, कुछ चीजें जो होंगी वो मदर से ट्रेस करेंगे, ठीक है। कॉग्नेटिक होता है बाइलेटरल, वेयर एट्रीब्यूट्स आर ट्रांसमिटेड इक्वली थ्रू बोथ द पेरेंट्स, ठीक है। तो इक्वली दोनों पेरेंट्स से ट्रांसमिट होती है यहाँ पे एट्रीब्यूट्स। एंड उसमें क्या होता है, डबल में क्या होता है, कुछ चीजें फादर के साइड से होती हैं, कुछ चीजें मदर के साइड से होती हैं। कॉग्नेटिक में दोनों, दो फादर और मदर दोनों से सेम चीजें हम ट्रांसमिट करते हैं, ठीक। पैरेलल डिसेंट क्या होता है, रेयर फॉर्म ऑफ डिसेंट है। मेन यहाँ पे ट्रांसमिट करते हैं प्रॉपर्टी टू सन्स एंड वुमेन करती हैं टू डॉटर्स। क्रॉस एंड ऑल्टरनेटिव इसका उल्टा होता है, हस्बैंड करते हैं टू डॉटर्स एंड जो वुमेन होती हैं वो करते हैं टू देयर सन्स। ये यहाँ पे देख लो, ये रहने दो, ये भी रहने दो। एग्नेट्स होते हैं अगर जो पर्सन हमारे कजन्स वगैरह वो रिलेटेड होते हैं हमारे पेट्रिलिनियल डिसेंट से, फादर के साइड से। एंड कॉग्नेट्स हम बोलते हैं जो दोनों साइड से होते हैं, ठीक है। इसको हम बायलेटरल किनशिप भी बोलते हैं, इसमें किन्स जो है वो फादर मदर दोनों साइडों से ट्रेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद मोड ऑफ यूज, हाँ मोड ऑफ यूज देख लो, क्योंकि मर्डरॉक ने दिया था, जो भी चीज किसी एक पर्टिकुलर थिंकर ने दी होगी तो वो हमें थोड़ा पता होनी चाहिए। टर्म्स ऑफ एड्रेस होता है, जैसे हम किनशिप यू टर्म्स यूज टू एड्रेस सम, दैट इज व्हाट यू कॉल समवन व्हेन टॉकिंग टू देम। फॉर एग्जाम्पल नाना, ठीक है, हम नाना से बात करें तो हम नाना बोलेंगे, यहाँ बोलते हैं ये हमारे नाना है, ठीक है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस होता है वो टर्म जिसको आप यूज करते हो किसी को रेफर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप किसी को बोलते हो चिंटू के पापा, ठीक है, चिंटू के पापा इज टर्म ऑफ रेफरेंस। जब आप डायरेक्टली बोलोगे उनका नाम लेके उनको बुलाओगे दैट इज टर्म ऑफ एड्रेस। रेंज ऑफ एप्लीकेशन अगेन ही मॉर्गन ने दिया था, दो टाइप्स की होती है, क्लासिफिकेटरी एंड डिस्क्रिप्टिव। क्लासिफिकेटरी होता है जो हम सिंगल टर्म यूज करते हैं बहुत तुम के लिए, फॉर एग्जाम्पल अंकल हम बहुत तुमको बोलते हैं, ठीक है। एंड डिस्क्रिप्टिव होता है जो हम क्या करते हैं किसी एक के लिए यूज करते हैं सिर्फ, डिस्क्रिप्टिव से पापा, पापा आप किसी एक को बोलोगे, ठीक है। तो क्लासिफिकेटरी डिस्क्रिप्टिव याद रख लेना, आगे क्लासिफिकेटरी की टाइप्स है होता है, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्टिव होता है स्पेसिफिक रिलेटिव्स के लिए, ठीक, ये भी अभी रहने दो, अब टाइम नहीं है इन चीजों के लिए। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी किन्स ये एक बारी देख लो। प्राइमरी किन क्या होता है, जो आपका फर्स्ट रिलेशनशिप में आता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड किसी के, हस्बैंड वाइफ वो एक दूसरे के प्राइमरी किन्स है। फादर सन वो प्राइमरी किन है, मदर सन, ठीक है, वो प्राइमरी किन है। फादर डॉटर, मदर डॉटर, आपका बड़ा भाई, छोटी बहन, भाई बहन, वो भी प्राइमरी किन्स है, मतलब टोटल 8 प्राइमरी किन्स है, ठीक। सेकेंडरी किन्स क्या होता है, सेकेंडरी किन्स होते हैं जो आपके प्राइमरी किन के प्राइमरी किन है। अब आपका प्राइमरी किन कौन है, आप किसी की वाइफ, उसकी प्राइमरी किन है, तो जो प्राइमरी किन का प्राइमरी किन है वो आपका सेकेंडरी किन है। तो प्राइमरी किन का प्राइमरी किन कौन है, वाइफ की जो सिस्टर है वो वाइफ की प्राइमरी किन हो गई, किसी एक मिस्टर एक्स की वाइफ की सिस्टर उसकी वाइफ की प्राइमरी किन हो गई, लेकिन वो मिस्टर एक्स की सेकेंडरी किन बन जाएगी, ठीक है। अब जो आपके सेकेंडरी किन्स का प्राइमरी किन है वो आपका टर्शरी किन होगा, सेकेंडरी किन का प्राइमरी किन। अब इस एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं, वाइफ की सिस्टर आपकी सेकेंडरी किन है, अब जो वाइफ की सिस्टर है उनका प्राइमरी किन आपका टर्शरी किन बनेगा क्योंकि वो आपकी सेकेंडरी किन है। तो जो वाइफ की सिस्टर है उनका जो हस्बैंड है वो उनका प्राइमरी किन है, तो आपके लिए वो टर्शरी किन बन जाएगा क्योंकि वो आपकी सिस्टर का, वाइफ की सिस्टर का हस्बैंड है, आपकी सेकेंडरी किन का वो प्राइमरी किन है। तो प्राइमरी किन्स टोटल हमारे 8 हैं, सेकेंडरी किन्स 33 हैं,
एंड टर्शिकिन्स हमारे 151 है, ये किसने कहा था टर्शिकिन्स जीते हैं? मर्डोक ने। यूनिलिनियल होता है अलिनियल, अलिनियज इज अ यूनिलिनियल डिसेंट ग्रुप इन विच मेंबर। अच्छा ये लीनियज क्या होता है हमें पता है, जहां से हम क्या करते हैं मेंबरशिप अपनी ट्रेस करते हैं, ठीक है। फादर के साइड से ट्रेस करेंगे तो पेट्रिलिनियल, जिसे बोलते हैं ना मैं इस खानदान का हूं, दैट इज नथिंग बट योर लीनियज। क्लैन देखते हैं, क्लैन और सिप, ठीक है इसको सिप भी बोलते हैं। क्लैन होता है क्या, यूनिलिनियल डिसेंट ग्रुप है, दैट मीन डिसेंट जो है या तो फादर साइड से ट्रेस होगी पेट्रिसाइड या तो मेट्रिसाइड, लेकिन आप कितना ट्रेस करोगे, कितने पीछे जनरेशन जाओगे, ठीक है। जो फाइनली आप एक जनरेशन पे पहुंचते हो कि उसके आगे आपको नाम नहीं पता होता, जैसे आपको ग्रैंडफादर का नाम पता होगा, ग्रेट ग्रैंडफादर का नाम पता होगा, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का पता होगा, उसके बाद आपको नहीं पता होंगे। तो यूजुअली कहाँ से फिर हम ट्रेस कर सकते हैं, किसी एक मिथिकल एंसेस्टर से भी हम ट्रेस करते हैं, ठीक है। इसको हम क्लैन बोलते हैं, जिसमें जो एंसेस्टर जो हमारा ट्रेस होता है वो जरूरी नहीं कोई रियल फिगर हो, वो एनिमल प्लांट या कोई इनएनिमेट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, जिसको हम हिंदी में गोत्र बोलते हैं। फैट्री होता है ग्रुप ऑफ क्लैंस, ठीक है। एंड मॉइटी होता है जब हम किसी ट्राइब को दो में डिवाइड करते हैं, दो हाफ में, उनको हम मॉइटीज बोलते हैं। एंड जो दो डिविजन है ये आपस में एक्सोगेमस होते हैं, दैट मीन्स वो आपस में शादी नहीं करते हैं। फिर किनशिप यूजेजेस एंड देयर बिहेवियर देखते हैं। देखो जोकिंग रिलेशनशिप एंड अवॉइडेंस, ठीक है। जोकिंग रिलेशनशिप क्या होता है, जैसे यहाँ पे बोला जाता है साली आदि घरवाली जो जीजा साली के बीच में होता है, दैट इज जोकिंग रिलेशनशिप। अवॉइडेंस होता है जिनमें थोड़ा सा आप मेंटेन करके रखते हो एक डिस्टेंस, जैसे मदर इन लॉ एंड सन इन लॉ आपस में, ठीक है, ज्यादा फ्री नहीं हो जाते वो, तो दैट इज जोकिंग रिलेशनशिप। अभी अवॉइडेंस के एग्जाम्पल्स है युकाफिर, ऑस्टियक, ओरेंटास, वेदास ऑफ सीलोन, ये देख लेना। जोकिंग के एग्जाम्पल्स भी हैं, ये भी आप देख लेना, ट्राइब्स के नाम ही लिखे हैं बस। एवेनकुलेट एंड एमिटेट, एवेनकुलेट होता है ये वो वाली फैमिलीज होती हैं जहां पे मामू की इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है मदर के ब्रदर की, ठीक है, एंड फादर की कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं होती है। एंड एमिटेट क्या होता है, जहाँ पे बुआ की इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है फादर के सिस्टर की, एंड अपनी मदर की वहां पे इंपॉर्टेंस नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्राइब्स हैं उनके नाम यहाँ से देख लेना। कोवेट जो क्या, कोवेट क्या होता है बेसिकली, ये एक ट्रेडिशन है। इसमें क्या होता है, जो हस्बैंड है जब उसकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है, और प्रेगनेंसी से पहले एंड डिलीवरी के बाद जो भी वाइफ करती है हस्बैंड भी सेम करता है। मतलब ये क्यों होता है, ताकि हस्बैंड के अंदर थोड़ी एम्पथी आ जाए, उनको समझ में आ जाए कि वाइफ को क्या कुछ गुजरना पड़ता है, तो वैसे ही वो रेस्ट करेंगे, वैसे ही वो सिक डाइट लेंगे। एंड कई ट्राइब्स में तो वो वेट भी टाई करते हैं अपने पेट के अराउंड, जस्ट टू मेक जस्ट टू फील कि वुमेन जो है कितना वेट कैरी करके चलती हैं। तो ये किन में होता है, टोडा खासी कम्युनिटीज, खासकर ये दो ट्राइब्स आप इसमें याद रखोगे। टेक्नोनॉमी किसने क्वाइन किया था, एडवर्ड टाइलर ने। टेक्नोनॉमी क्या होता है, अगेन वही चिंटू के पापा वाली बात, ये होपी ट्राइब्स में होता है कि आप डायरेक्टली इनको रेफर नहीं करते हो, किसी को डायरेक्टली नाम से नहीं बुलाते हो, तो आप उनको रेफर करते हो थ्रू अनदर किन, ठीक है। तो रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस, अगर एल्डेस्ट सन से फादर को प्रॉपर्टी जाती है दैट इज प्राइमोजेनिचर, अगर यंगेस्ट सन या डॉटर से फादर को जाएगी दैट इज अल्टीमोजेनिचर। मिताक्षा दयाबागा स्कूल, ये किसने कहा था, विजय नस्वरा ने एंड जमुत वहाना ने। तो ये कौन से स्कूल्स हैं, बेसिकली प्रॉपर्टी के इनहेरिटेंस के रिलेटेड स्कूल्स हैं। एंड मिताक्षा स्कूल जो है इसको कोडिफाई करके हिंदू सक्सेशन एक्ट बाद में बनाया गया था, ठीक है। तो मिताक्षरा स्कूल क्या कहता है कि बाय डिफॉल्ट जो है हस्बैंड इसमें प्रॉपर्टी किसको जाती है, सन को, एंड सन वो क्लेम कर सकता है। लेकिन दयाबागा में क्या होता है, जब तक फादर जिंदा है वो अपनी मर्जी से प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, सन ऐसे क्लेम नहीं कर सकता है। खासीज में यंगेस्ट डॉक्टर को ककदू ही बोला जाता है। डेरिवेटिव किन्स जो होते हैं विच इज कंपाउंडेड फ्रॉम एन एलिमेंट्री टर्म टर्म सच एज बहनोई मौसा, मतलब वो जो आपके अपने प्राइमरी किन से डिराइव हुए हैं, जैसे बहन का पति, ठीक है, बहनोई, तो वो आपका डेरिवेटिव किन है। मैट्रिलिनियल किन्स को यूटरीन भी बोला जाता है, पेट्रिलिनियल किन्स को एग्नेट्स भी बोला जाता है, ये भी याद रख लेना, ठीक है। फिर हो गया किनशिप सिस्टम्स इन नॉर्थ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट, ये छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, ये भी लीव इट लीव इट लीव इट, ये छोड़ दो, ठीक है। फिर आ गया सोशल चेंज। सोशल चेंज हमें पता है कि सोसाइटी चेंज होती है, सोसाइटी मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा डायनेमिक है, स्टैटिक नहीं है। थियोरीज इसमें इंपॉर्टेंट है, ये देख लो, ऑगस्ट कॉम्पटी ने लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस दिया था, थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल एंड पॉजिटिविस्टिक, तो TMP करके इसको याद रख सकते हो। थियोलॉजिकल होती है वो सोसाइटी जो आपकी बिल्कुल पुरानी वाली सोसाइटीज है, ठीक है। थियोलॉजिकल होती है गॉड सेंट्रिक सोसाइटी, ठीक है, जिसमें हर कोई चीज गॉड के रिलीजन के एक्सप्लेनेशन पे बेस्ड होती है। मेटाफिजिकल होती है एब्स्ट्रैक्ट सोसाइटीज, ठीक है, जिसमें एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्लेनेशन होती है हर चीज की, यूनिवर्स की मर्जी थी एंड ऑल टाइप।
एंड पॉजिटिविस्टिक होती है आपकी साइंटिफिक सोसाइटी। तो उन्होंने कहा था सोसाइटी में आपको स्टैटिक चीजें भी मिलती हैं एंड कुछ डायनेमिक भी होती हैं जो चेंज होती रहती है। हर्बर्ट स्पेंसर का सोशल डार्विनिज्म एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये हमने कर लिया। मिलिटन इंडस्ट्रियल सोसाइटीज, ये भी हमने कर लिया। ईबी टाइलर ने दिया था एनिथिज्म, एनिमिज्म, पॉलिथिज्म एंड मोनोज्म। एनिमिज्म क्या कहता है कि हर चीज के अंदर कोई सोल होती है। पॉलिथिज्म होता है एक से ज्यादा गॉड पे बिलीव करना। एंड फाइनली मोनिज्म पे आएंगे जहां पे एक ही गॉड पे बिलीव करेंगे। फर्डिनेंड टोनीज मैंने करा लिया था, ये भी हो गया है। एमाइल दुर्खिम भी हो गया, कार्ल मार्क्स भी हो गया। एल एच मॉर्गन ने ये तीन दिए हुए हैं नाम। एंड कल्चर लैग कॉन्सेप्ट दिया है हमें डब्ल्यू एफ ऑकबर्न ने, ठीक है। तूने बेसिकली क्या कहा कि कल्चर इतनी जल्दी चेंज हो रहा है एंड कुछ लोग जो होते हैं वो उस चेंज के साथ खुद को चेंज नहीं कर पाते उतनी जल्दी, है ना। जैसे कपड़े, कल्चर, कपड़े भी कल्चर में आ गए। जो पुरानी जनरेशन है वो अभी भी नए जनरेशन के कपड़े जो हैं वो इतनी जल्दी वो चीजें टॉलरेट नहीं कर पाते कि ये कैसे कपड़े पहने हुए हैं। तो इसको हम कल्चर लैग बोलते हैं, ठीक। तो ये थियोरीज देख लेना। इसमें कुछ साइक्लिकल थियोरीज ऑफ सोशल चेंज भी है। ऑसवर्ड स्पेंगलर ने कौन सी बुक लिखी थी, डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट। तो इन्होंने कहा सोसाइटी पहले पैदा होती है, मच्योर एंड डिके एंड फाइनली डाइज। वी परेटो ने दिया था, विल्फ्रेड परेटो ने हमें थियोरी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स दिया था, थियोरी ऑफ सोशल चेंज में। तो इन्होंने कहा था बेसिकली फॉक्स एंड लायन बोला बोला था हमारे एलिट्स को, कहा था एक हमारे एलिट्स जो होते हैं, एक मासेस होते हैं, एक रूलिंग एलिट्स होते हैं जो बहुत कम लोग होते हैं रूल जो करते हैं सोसाइटी पे, एंड एक मासेस होते हैं जनरल लोग, जनरल पॉपुलेशन, ठीक है। तो जो रूलिंग एलिट्स है ये दो टाइप के होते हैं, इनमें फॉक्सेस आते हैं एंड लायंस आते हैं। लायन की क्या क्वालिटी होती है, अथॉरिटेटिव, डोमिनेटिंग। फॉक्स क्या होता है, लोमड़ी को क्या बोलते हैं, चालाक, कनिंग, ठीक है। पहले लायंस रूल करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब लायंस का रूल थोड़ा कम हो जाता है वो क्या करते हैं, उनको उनमें कनिंगनेस नहीं होती, उनमें वो अथॉरिटी ही होती है, डोमिनेंस होते हैं। तो वो क्या करते हैं, फॉक्स को अपॉइंट करते हैं अपने साथ रूल करने के लिए। अब आहिस्ता आहिस्ता लायन आ गए एंड उनने फॉक्स को अपने साथ मिलाया, ठीक है। फिर फॉक्स क्या करते हैं, फिर फॉक्स आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि चलाक है तो लायन को ओवरथ्रो कर देते हैं एंड फॉक्स के पास सारा पावर आ जाता है। लेकिन गवर्नमेंट सोसाइटीज चलाने के लिए हमें लायंस, अथॉरिटी, डोमिनेंस, डिसीजन मेकिंग, ये क्वालिटीज भी चाहिए। तो जो फॉक्स के हाथ में सारा पावर आता है वो लायन में से कुछ लोगों को अपॉइंट कर लेता है, ठीक है, ताकि वो जो डोमिनेंस वाला वो पार्ट है वो पूरा हो जाए। फिर लायन क्या करेंगे, अब वो उल्टी चाल चल के फॉक्स को ओवरथ्रो करेंगे एंड ये सारा सर्कल में चलता रहता है। इसको बोलते हैं सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स, ठीक है। टोनी बी ने क्या दिया था, ग्रोथ अरेस्ट एंड डिक्लाइन। सोसाइटी पहले ग्रो करती है फिर ग्रोथ रुक जाती है एंड सोसाइटी डिक्लाइन हो जाती है। परोकिन ने ये बुक, सरोकिन, सॉरी, पी सरोकिन ने ये बुक लिखी थी, ठीक है, ऑन द बेस ऑफ कल्चर मेंटेलिटी। तीन टाइप्स दिए थे, आइडिएशनल, आइडियलिस्टिक एंड सेंसेट। आइडिएशनल होता है जब रियलिटी स्पिरिचुअल काफी वो सही सभ्य स्पिरिचुअल सोसाइटी, ये एक एक्सट्रीम है सोसाइटी का। एंड बिल्कुल मटीरियलिस्टिक सोसाइटी जो सिर्फ मटीरियल चीजों पे बेस्ड होगी वो एक एक्सट्रीम है। तो पेंडुलम की तरह घूमता रहता है, कभी एक एक्सट्रीम पे कभी दूसरे एक्सट्रीम पे। एंड इनके बीच में जो प्रैक्टिकल है वो आइडियलिस्टिक है, जिसमें दोनों के कुछ एलिमेंट्स है, उसमें स्पिरिचुअल भी है एंड उसमें मटीरियल भी है। उसको इस पेंडुलम से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। फिर ये रहने दो, ये भी रहने दो, ये भी रहने दो। कॉन्फ्लिक्ट थियोरी ऑफ सोशल चेंज हमें कार्ल मार्क्स ने दिया। कार्ल मार्क्स से मैंने आपको बोला इनके कॉन्फ्लिक्ट में हैव हैव नॉट्स वाला कॉन्सेप्ट है। एंड रैल्फ डेरेंडॉफ ने दी है, आपको बस इनका, डेरेंडॉफ का नाम याद रखना है, ऐसी कोई स्पेशल थियोरी इनकी नहीं है। वेबलिन, ये भी रहने दो। सिस्टमैटिक एफर्ट्स मॉडर्नाइजेशन में क्या कॉन्सेप्ट, मॉडर्नाइजेशन में एज सच फैक्ट फैक्चुअल ऐसा कुछ नहीं है। ये याद रख लो मॉडर्निटी को, मॉडर्न वर्ल्ड एज अ जगरनॉट किसने कहा था, एंथनी गिडेंस ने। और मॉडर्निटी से रिलेटेड कुछ चीजें, फाइव चेंजेस जो हैं मॉडर्निटी में क्या क्या आता है वो चेंजेस एक बार यहाँ से देख लेना। अच्छा बता ही देती हूँ, इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल होती है, दैट मीन्स दोनों का इसमें फायदा नुकसान इन्वॉल्व होगा। एक्सट्रीम डिविजन ऑफ लेबर होता है, कम्प्लेक्स डिविजन ऑफ लेबर, ये क्या है मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। स्टेटस अचीव होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोबिलिटी दोनों पॉसिबल है। एंड नई एस्पिरेशंस होती है इंसान में इम्प्रूवमेंट की, खुद को बेटर करने की कोशिश करता है। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी, मोबिलिटी क्या होता है, मूव करना एक जगह से दूसरी जगह। तो वर्टिकल मोबिलिटी क्या होगा, अगर कोई गवर्नमेंट टीचर है एंड अब वो आईएएस ऑफिसर बन गया तो ये वर्टिकल मोबिलिटी मॉडर्न वर्ल्ड में पॉसिबल है। हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी होती है आप आईएएस हो श्रीनगर में, अब आपकी पोस्टिंग हो गई है, अब आप आईएएस हो झारखंड में, ठीक है। तो ये दोनों टाइप की मोबिलिटी जो है मॉडर्न वर्ल्ड में पॉसिबल है।
इंडस्ट्रियलाइजेशन हमें पता है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आया था ठीक है, उसी का स्प्रेड होना, दैट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या होता है, मैकेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, कि अब जो काम लोग करते थे वो अब वो काम कौन करती है, मशीन्स करती हैं ठीक है। तो इसमें कोई प्री इंडस्ट्रियल वेल नोन क्लासिफिकेशन ऑफ टोनीज, तो प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज कौन कौन सी थी, वही पुरानी वाली सोसाइटीज जो है वो प्री इंडस्ट्रियल है, वो हमने अभी तक पढ़ ली है सारी ठीक है। तो कार्ल मार्क्स वाला कॉन्सेप्ट वही है, वो हमें जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब ग्लोबलाइजेशन में देखते हैं इंपॉर्टेंट क्या है। ग्लोबलाइजेशन हमें पता है, सिंपल अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, जैसे जो ब्रांड के कपड़े हम यहाँ पहनते हैं, अगर हम लंदन जाएंगे वहां भी वही ब्रांड चल रहा होगा, दैट मीन्स वर्ल्ड ग्लोबल हो रहा है, एक चीज जो है वो पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो रही है ठीक है। तो इसमें फैक्चुअल क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, इसमें ज्यादा है नहीं एक्चुअली। रिट्जर ने मैकडोनल्डाइजेशन ऑफ सोसाइटी कहा था ठीक है, एंड अल्ड्रिच बेक ने हमें क्या दिए हैं, उन्होंने हमें तीन टाइप्स दिए थे, ग्लोबलिटी, ग्लोबलिज्म एंड ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलिटी किससे रिलेटेड है आपके, कि जो इंडिविजुअल्स हैं दे आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली लिविंग इन अ वर्ल्ड सोसाइटी, इन द सेंस दैट द नोशन ऑफ क्लोज स्पेसेस हैज बिकम इल्यूजनरी। तो जो इंडिविजुअल ग्लोबल हो रहा है वो ग्लोबलिटी होता है। ग्लोबलिज्म क्या होता है, वर्ल्ड मार्केट जो है इज नाउ पावरफुल इनफ टू सप्लांट पॉलिटिकल एक्शन, कि जब जो वर्ल्ड आपका इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स का मिक्सचर हो जाता है, दैट इज योर ग्लोबलिज्म। एंड ग्लोबलाइजेशन हमें सारे प्रोसेस को यूज करते हैं एक्सप्लेन करने के लिए ठीक है। ये थियोरीज भी रहने दो। तो यहाँ पे यूनिट वन का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा होगा, एटलीस्ट वो यूनिट वन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेना, ऐसे इस वीडियो पे कैसा रिस्पॉन्स आता है। अगर आपको चाहिए ऐसे और वीडियोस तो मैं बाकी यूनिट्स के भी लेके आऊंगी। तो इन द टाइम आप नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।